जय श्री कृष्णा, जय महेश। विश्व की श्रेष्ठतम जाति का दर्जा प्राप्त सभी महेश्वरी बंधुओं का मैं इस सभागार में और आज के इस कार्यक्रम में बिजनेस की पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता और ट्रेनर के रूप में हमारे बीच उपस्थित कनिका राठी जी, सीए कनिका राठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच हमारे ही बड़े भैया जिन्होंने इस इवेंट का नाम जो बिजनेस की पाठशाला है, जब भैया से बात हो रही थी और जिन्होंने इस नाम को दिया बिजनेस की पाठशाला, अजय भैया का दिया हुआ यह नाम है। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष, बहुत ही डायनामिक सोच रखने वाले, मतलब जहां पर हमारी सोच एंड होती है वहां पर भैया की तो शुरू होती है, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखने वाले हमारे अजय भैया हमारे बीच उपस्थित है। भैया, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित है भूतपूर्व महामंत्री, पूर्व महामंत्री भाई स्वराज जी लड्डा। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हमारे बीच है छत्तीसगढ़ महेश्वरी महिला संगठन की सीमा मल जी है, हमारे बीच उपस्थित है। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दामोदर जी ज्वाइन नहीं किए हैं क्या? मनीष नहीं किया भैया, नहीं किया, उनको जोड़ो ना एक बार। सतीश भैया नाम नहीं दिख रहा, भैया नहीं दिख रहा है जी। नहीं आए। सतीश, विजय भैया एक बार सतीश भैया को कॉल कर लेंगे। विजय भैया ऋषि मुंदड़ा के नाम से है वो। ऋषि मुंदड़ा के मनीष पैनलिस्ट में लोग चलिए, बाकी हमारे अतिथिगण हमको समय समय पर ज्वाइन करते रहेंगे। अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन के उपाध्यक्ष मध्यांचल के सरस्वती जी हमारे बीच आ चुके होंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बेमेतरा की पार्षद नीतू कोठारी जी आ गई होंगी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कि वे आए और आज का अपना स्वागत उद्बोधन सभागृह में रखें। डायनेमिक सोच रखने वाले हमारी बिजनेस की पाठशाला का जो आयोजन इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में किया, जिसका फायदा उठाया, भाई रुपेश जी गांधी आप आए और स्वागत उद्बोधन दें। महेश, जय श्री कृष्णा। सर, सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय बिजनेस की पाठशाला का आज 5वां दिन है, जिसमें आज हमारे बीच सीए कनिका राठी जी बिजनेस कोच उपस्थित हैं एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्यांचल शरद जी सोनी नागपुर, वो भी आज हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसके अलावा आज हमारे वरिष्ठ भैया सतीश जी राठी, डॉक्टर सतीश जी राठी, प्रदेश महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती अमिता जी मुंदड़ा, अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य रामोतरा जी बजाज कुनकुरी एवं श्रीमती सीमा जी मल उपाध्यक्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला मंडल की एवं श्री नीतू कोठारी जी जनप्रतिनिधि बेमेतरा से, आप सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी उपस्थित युवा साथियों एवं प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से उपस्थित युवा साथी एवं साथ साथ आज हमारे भारत के अलावा और कई देशों से भी आज उपस्थित है
हमारे महेश्वरी समाज के साथियों, आप सबका मैं प्रदेश युवा संगठन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिजनेस की पाठशाला आज का पांचवा दिन है। लगातार हम लोग ट्रेनर लोगों को सुन रहे हैं और निश्चित रूप से हमें सभी को एक फायदा भी हो रहा है और आत्मविश्वास भी हमारा बिजनेस के लिए बढ़ रहा है। और हमारा प्रयास यही है कि पॉजिटिव माइंड से हम बिजनेस करेंगे तो अपने व्यापार को नए रूप देने में या कुछ आवश्यक डिसीजन लेने में हमें सहायता मिलेगी। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि इस बिजनेस की ट्रेनिंग का लाभ लेवें एवं अपने व्यापार में जो अभी आवश्यकता हो अपने बिजनेस के अनुरूप इसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है। सादर जय श्री कृष्णा, जय महेश। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो प्रायोजित पूरी बिजनेस की पाठशाला सात दिन का जिस कार्यक्रम के हमारे जिन्होंने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है राठी बिल्ड मार्ट आयुष एंड विशाखा कि आप आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। जय श्री कृष्णा। आज आप सबके बीच में राठीज बिल्ड मार्ट के बारे में बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस परिवार और संस्थान के सदस्य हैं जहां आधुनिकता के साथ संस्कार का समागम है, नवीनता के साथ परंपराओं का सामंजस्य। आज से लगभग 60 साल पहले राजस्थान से जगदलपुर आकर हमारे परदादा जी एवं तीनों दादाजी ने बाजार हाट के द्वारा यह व्यापार यात्रा प्रारंभ की और समय के अनुसार उसमें निरंतरता प्रगति की। 1993 में मेरे तीनों पापा ने कामकाज संभाला और अपनी नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जहां राठी टैक्स फर्म के माध्यम से संपूर्ण बस्तर जिला व उड़ीसा के जिलों में कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, छाते, स्वेटर जैसी सीजनल आइटम को पहुंचाया, वहीं आज भी राठी बंधुज के दो शोरूम के माध्यम से जगदलपुर में आधुनिक फैशन और वैवाहिक कपड़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे आज भी हमारे परिवार की युवा साथी अतुल भाई और अनमोल भाई एवं आकाश भाई मिलकर संभाल रहे हैं। 2008 में राठी बंधुज ग्रुप ने बिल्डिंग मटेरियल के नए व्यापार में प्रवेश किया और आज राठीज बिल्ड मार्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों में जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में शोरूम स्थापित कर छत्तीसगढ़ के साथ साथ सेंट्रल इंडिया में बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा शॉपिंग स्पेस उपलब्ध कराया। अनुज विजय, माधव मंत्री, प्रकाश जी ने, अमित चांडक ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आयाम को प्राप्त किया एवं एक बड़े ग्रुप में व्यापार करने को आगे बढ़ाया। मोहित चांडक, मैं विशाखा और आयुष ने इस वर्ष राठीज बिल्ड मार्ट को ज्वाइन कर लिया है। हमारा प्रयास भी यही है कि बिल्ड मार्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं और हमें विश्वास है कि तीन पीढ़ियों के इस पारिवारिक प्रयासों को, हमारी कार्यशैली को, हमारी नई सोच को आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा एवं नए आयाम, नए मुकाम हम जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू। एक छोटा सा वीडियो राठीज बिल्ड मार्ट रायपुर के सेटअप को हम प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने। बेटा इसे देखो और इसे भी देखो, इनमें से ही कोई चुन लो। नो मॉम, हमें तो चुनने का मौका ही कहाँ मिला। तो अब सही चुन लो। क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही सालों में सब ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ और देखते हैं ना। कहाँ से मिलेगा कुछ और? मिलेगा ना, राठीज बिल्ड मार्ट है ना। भाई साहब, अब कुछ और क्यों? सब कुछ मिलेगा जब बात हो जीवन भर के साथ का, तो समझौता किस बात का। राठीज बिल्ड मार्ट में आप पाएंगे इंटीरियर से लेके फिनिशिंग तक सब कुछ एक सुखद वातावरण में। अनुभव कीजिए सारे परिवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की शॉपिंग का सॉफ्ट एहसास। हम साथ निभाते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं। वी हैव पीसेस टू मेक योर होम अ मास्टरपीस। राठीज बिल्ड मार्ट, नींव से निर्माण तक, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। अब तो खुश है ना? परफेक्ट जोड़ी है डैड।
शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। राकेश भैया, राकेश भैया एक मिनट, एक छोटी सी बात थी भैया। हाँ। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में अजय भैया है जरूर, पर मैं अतिथि के रूप में उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे भैया मार्गदर्शक है और हमें हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो अतिथि के रूप में भी आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग आपको बड़े भी आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है, इसलिए आपको मैं अतिथि के रूप में नहीं लिया। वैसे भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रदेश विभाग संगठन की तरफ से आपका। जय महेश, थैंक यू। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब ट्रेनिंग की शुरुआत किए थे आज से लगभग 18 वर्ष पहले की बात है, सन 2003, 17 वर्ष हो गए इस बात को, जब हमने चंपारण में मिशन 48 आवर्स वह कार्यक्रम लिया था प्रदेश युवा संगठन के में, 3 दिवसीय वह आवासीय ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन पहली बार किया गया था, और वहां से लेकर अनवरत ये जारी है लगातार सभी सत्रों में हम ऐसे कार्यक्रम लेते आ रहे हैं, और ये आज की वर्तमान विषम परिस्थितियों में हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अजय भैया से, आपके समय से जो चल रहा है वह अनवरत जारी है, और आप इस संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष में अपने आशीर्वचनों का लाभ हमारे युवा साथियों को दे रहे हैं। थैंक यू राकेश भाई। सही मायने में ना समझे तो जब लॉकबंदी आई तो ऐसा लग रहा था कि एकदम दौड़ती भारती जो अपनी जिंदगी थी उसमें एक ठहराव आ गया है, और इस ठहराव को जो हम पॉजिटिव नेचर के लोग हैं उन्होंने सही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 2-3 दिन की दिनचर्या के बाद एक नकारात्मकता सी दिमाग में बैठने लगी जो स्वीकार नहीं की। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एनर्जी आएगी कहाँ से। तो मैंने यूनिसेफ का एक पूरा आर्टिकल पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि जो हमसे जुड़ते हुए लोग हैं जिनके कारण हमें एनर्जी आती है या जिनके लिए हम एनर्जी का कारण बनते हैं, तो हमें उन लोगों को अपने आप से जोड़ना चाहिए, और मुझे ये सबसे अच्छा लगा प्रयास। तो सबसे पहला मैंने ट्राई किया अपने दुकान में अपनी टीम के साथ, जिनके साथ मैं हमेशा जुड़े रहता हूँ। तो सुबह 10 बजे हमारी एक प्रार्थना होती है 10-10 की, हमने 29 के ही मार्च के अपना एक शेड्यूल फिक्स किया सुबह 10:10, उसके बाद हमारे तीनों स्टोर की गुड़थौड़ चलती थी और फिर एक छोटा सा ट्रेनिंग का प्रोग्राम, तो 1 से 1.5 घंटे का समय हमारा काफी आराम से उसमें निकलने लगा। तो मुझे लगा यार ये अच्छी एक परिपाटी चालू हो गई है, और उसको हमने आगे बढ़ाया। तो हमने अपने इंटीरियर आर्किटेक्ट को जोड़ा, आज 28 दिनों के अंदर में लगभग 18 से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे उनके हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से मुझे भी ये चीज महसूस हुई कि हमारा युवा संगठन भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे युवाओं का संगठन है। विजय से चर्चा हुई, विजय भी गया, कहीं ना कहीं से सब ये महसूस कर रहे हैं, तो हमें ये प्रयास यहाँ पे भी करना चाहिए। और फिर आप सब लोग इकट्ठे हुए और ये प्रूव किया कि जो पॉजिटिव लोग हैं बहुत दिन तक नकारात्मक वातावरण में नहीं रह सकते, जहां जब सीखने की जो चीजें मिलती है हम स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जब मैंने मालूम पड़ा कि कनिका आ रही है, तो सही मायने में जब कनिका को व्यवसाय में सीए में आज आगे बढ़ते देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई एक सपना इस बच्ची के रूप में पूरा हो रहा है, मेरी कोई एक सोच, मेरा कोई एक मन में सोचा हुआ रहता कि ऐसा हो तो उसको कहीं आधार मिल रहा है, उसका कोई परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो और जो मेरी एक सोच रही है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे व्यापार व्यवसाय में या प्रोफेशन में जो हमारे परिवार की मेन पावर है उसमें जो वुमेन पावर रहती है जो आधे से ज्यादा होती है, और उसका बहुत अच्छा उपयोग हम लोग कहीं से ले नहीं पाते, कहीं ना कहीं से वो हमारे साथ में जुड़ नहीं पाती हमारे व्यापार या व्यवसाय में। तो वो वुमेन पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैसे हमारे व्यापार व्यवसाय में जुड़े, कैसे हम उन्हें अपने साथ जोड़कर आगे ला पाए, ये एक बहुत बड़ा समय रहेगा आने वाला। मैं या मेरे जैसे जो भी साथी हैं कहीं ना कहीं से हम सब अपने जो अनुभव है उसके हिसाब से या अपने वर्तमान को देखते हुए अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि आप लोगों को ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, वही निर्णय हम दिलवाते हैं। लेकिन जीना उन्हें है, उन्हें अपने आने वाले 60 सालों को और जीना है, जो युवा आज हमारे साथ है, तो उन 60 सालों में क्या चैलेंज आएंगे वो हमारा अनुभव हमें नहीं सिखाया है, क्योंकि हमारा समय बीत गया जो हमने अनुभव प्राप्त किया। आने वाले चैलेंज अलग होंगे,
उसके लिए चुनौतियां अलग होगी, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं से उन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जो आज वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो आज तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, उन सबको देखते हुए इन्हें अपने आप को आगे लेकर जाना पड़ेगा। मुझे जो सबसे सही लगा अभी के समय में, मैंने जब देखा, मैं चाइना या कभी ऐसे कई जगहों पे अभी कंट्रीज में घूम रहा हूँ, तो जो एक वुमेन पावर है वो बहुत बड़े रूप में आगे आ रहा है। इंडिया का आने वाला टाइम इन्हीं का है। आज हम पुरुष नारी समान बोल सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद नारी प्रधान देश होगा, और नारी प्रधान देश के लिए आज हमारे इन बच्चों को अभी से हमें छूट देनी पड़ेगी कि आने वाले 50 सालों के चैलेंज को वो समझे, स्वीकार करें और आगे बढ़े। मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूं अपने परिवार से, अपने घर से। विशाखा को आपने देखा। मैं चाहता हूं व्यवसाय और अभी काफी कुछ ऐसे जॉब और इसमें गर्ल्स आगे आ रही हैं, व्यापार में आगे आए, एक बेटी के रूप में आगे आए, एक बहू के रूप में आगे आए, और व्यापार में यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारा साथ देती हैं, तो निसंदेह आने वाला समय बहुत अलग होगा। चूंकि आज कनिका आई थी, यही सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने मन की बात की। मैं चाहूंगा कि एक दो लाइनों के साथ जो मैंने जिंदगी में पाया है आप लोगों को कहूं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली चुपकर दाना दाना तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। चुपकर दाना दाना तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। दोस्तों यही जिंदगी है, रोज छोटे छोटे अनुभवों से हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, आसान बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ राकेश भाई। हाँ हाँ धन्यवाद भैया, आपकी सारगर्भित यह स्पीच हम सभी युवाओं को काफी काम आएगी, और निश्चित हम अपने परिवार जनों को इसमें शामिल कर सकते हैं, महिलाओं को आगे ला सकते हैं, बच्चियों को आगे ला सकते हैं। धन्यवाद भैया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के उपाध्यक्ष सरस सोनी जी, नागपुर से आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा, हेलो सरस सोनी जी, कि आप समक्ष आए और एक शुभकामना संदेश छत्तीसगढ़ी युवा संगठन को प्रेषित करें। धन्यवाद राकेश भैया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के विजनरी और डायनामिक पेयर रूपेश जी और अरुण जी को ये वेबिनार सीरीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके साथ जो पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं भाई आलोक जी, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स मुकेश जी, हर्ष जी, मनीष जी, जो ये वेबिनार सीरीज को थ्रू आउट इंडिया समाज जन तक पहुंचा रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे आज अक्षय तृतीया के दिन जोड़ा गया है, साथ ही साथ हमारे साथ जिन्होंने माहेश्वरी समाज का नाम पूरा गौरवान्वित किया है, सीए कनिका जी राठी, जो अपने बिजनेस टॉक्स मोटिवेशनल स्पीच के लिए काफी प्रख्यात नाम है। आज के दिन ही कुबेर को धन की प्राप्ति हुई थी, उनको खजाना मिला था, ऐसे ही छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन में आज के दिन हमारे वेबिनार व्यूअर्स को कैसे धन की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए सबसे अच्छी फैकल्टी कनिका जी के सिवा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है, जिनको अकाउंटेंसी, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस नॉलेज के साथ साथ पूरा समाज की जो फीलिंग्स है उसका भी पूरा नॉलेज है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः, और आप सबके साथ में मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कभी आपको मेरी जरूरत है, कृपया प्लीज मुझे हर वेब सीरीज में जोड़े। मैंने कल मधु जी केला का भी सुना, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीच दी। हम सब साथ रहे, संगठित रहे, और यूं ही अपने लॉकडाउन पीरियड का आनंद लें, और कुछ ना कुछ हमेशा वेबिनार सीरीज से नया सीखे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के साथ। धन्यवाद शरद भैया, आपकी आवाज और श्याम भैया की आवाज लगभग मिलती जुलती है। एक बार मुझे धोखा हो गया कि भैया तो नहीं आ गए स्पीच के लिए। धन्यवाद भैया। ये मैंने उनकी आवाज भी मेरे थ्रू आप तक पहुंचाई है, और आपके हर वेबिनार सीरीज के व्हाट्सएप उन तक हमेशा पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें ऐसा लगा कि आपके माध्यम से श्याम भैया की आवाज पूरे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवाज हम तक पहुंच गई है भैया। छत्तीसगढ़ प्रदेश का उनको सादर नमन कहिएगा। मैं निवेदन करूंगा भाई राहुल जी राठी से, प्रादेशिक युवा संगठन के कार्यक्रम संयोजक हैं, बहुत डायनेमिक, और वो आए समक्ष और कनिका जी का संक्षिप्त जीवन परिचय इस सदन को देवे, उसके बाद हम कनिका जी का कार्यक्रम का आनंद लेंगे। भाई राहुल जी राठी, मनीष प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे।
ऑनलाइन है भैया। राहुल जी राठी आ गए आ गए। हेलो हेलो। हाँ राहुल भैया आवाज आ रही है आपको। जय महेश भैया। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय महेश। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित बिजनेस की पाठशाला के अनवरत पंचम दिवस के आज के ट्रेनिंग सेशन में संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन टीम की ओर से प्रदेश कार्यक्रम संयोजक राहुल राठी आप सभी स्नेही जनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे लिए यह बड़ा ही हर्ष व सौभाग्य का विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष की जानी मानी व खूबसूरत वक्ता अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर सीए कनिका जी राठी आज हमारे बीच उपस्थित है और अपने शानदार विचारों से बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट इस विषय को लेकर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आपका जन्म संस्कारों की धरती हमारे अपने राजस्थान के कोटा शहर में हुआ है। बचपन से ही आप बड़ी प्रतिभाशाली एवं मल्टी टैलेंटेड रही हैं। अपनी इस काबिलियत के बल पर ही 2006 में ही आपने व्यापार व कॉमर्स जगत की सर्वोच्च उपाधि चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप प्राप्त की है। आप सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक होल्डर रही हैं। आपने पुणे की सिंबायोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए इन फाइनेंस की डिग्री प्राप्त की है। सीए बनने के पश्चात आपने स्वयं की प्रैक्टिस प्रारंभ की है। इस दौरान आपको भारतवर्ष के विभिन्न शहरों जैसे कोटा जयपुर दिल्ली के साथ साथ लंदन में भी कार्य करने का अनुभव रहा है। सीए की प्रैक्टिस के साथ ही आपने स्वयं के व्यापारों का शानदार साम्राज्य स्थापित किया है जिसमें मुख्य रूप से रियल इस्टेट बिल्डर्स होटल और ऐसे बहुत सारे बिजनेस शामिल हैं। आपको व्यापार जगत के लगभग 13 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। आपने व्यापार जगत की बारीकियों को बड़े ही करीबी से समझते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आपने अब तक 550 से अधिक प्रोग्राम लिए हैं जिसने आपने 15,000 से अधिक लोगों को व्यापार जगत के साथ साथ परिवार समाज एवं अनेक लोगों से जोड़ते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया है। आप जैसी जैसी देश की नेशनल संस्थाओं में भी कार्य करती है। आपने नेशनल फैकल्टी पायलट फैकल्टी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। आपने गायन के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3-3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन गैंगपैक द्वारा आपको आउटस्टैंडिंग डेब्यू एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। आपने जेसीआई के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं में भी कार्य किए हैं। आप बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन और बहुत सारे प्रोग्राम लेते हैं जिसमें मुख्य रूप से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग डिस्कवर द डायमंड इन यू गोल सेटिंग एंड टीम बिल्डिंग लीडरशिप एंड मोटिवेशन जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन लेते हैं। आप रोटरी क्लब लायंस क्लब पत्रिका समूह जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में वॉलंटियर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसी अनूठी अद्भुत एवं मल्टी टैलेंटेड इफेक्टिव स्पीकर आज हमारे बीच उपस्थित है। ये पूरे प्रदेश संगठन के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज इस सब्जेक्ट बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट आप अपने क्रांति विचारों के साथ नई उम्मीदों के साथ इस लॉकडाउन को बहुत सुंदर तरीके से व्यापार के अनुकूल कैसे बनाया जाए इस हेतु अपने विचार प्रकट करने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। धन्यवाद राहुल भाई, बहुत विस्तृत परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी व्यवधान के अब मैं आमंत्रित करने जाऊंगा उन्हें जिनको सुनने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, जिनकी वाणी में मधुरता है, जिनकी
बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, ये मल्टी टैलेंटेड स्वभाव से ही बहुत सहज और सरल हैं। ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित सीए कनिका राठी जी का आप आए और अनवरत आज का आपका स्पीड ऑफ थॉट कार्यक्रम जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समाज बंधुओं को जय महेश। आज जैसे बिल्कुल सही बात है कि अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। वैसे हम लोग सब बनिए हैं, महेश्वरी बनिए हैं, तो हम आज के दिन काफी सारी हमारी बिजनेस की चीजें, वैसे अगर नॉर्मल रूटीन होता तो डेफिनेटली वो सब चल रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है धन सिर्फ हमेशा मनी के रूप में ही हम उसको संचय करें। हम शायद किसी और तरह का धन, अभी ये जब हमारा जो समय चल रहा है, तो कुछ किसी और तरह के धन का संचय कर सकते हैं। और वो धन है हमारे दिमाग में जो भी अच्छे थॉट्स हम इस समय संचय कर सकते हैं, या जितनी पॉजिटिविटी हम जोड़ सकते हैं, आई गेस ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत काम करने वाला है। सो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के साथ में अपनी बात स्टार्ट करूंगी। मुझे एक मिनट का समय दीजिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि मुझे आप सब से रूबरू होने का आपने मौका दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी अपने आप को सिर्फ एक वर्क इन प्रोग्रेस मानती हूँ, अभी बहुत आगे जाना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत की है। तो मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस से, जितनी मैंने पढ़ाई की है और बहुत सारी अलग अलग तरह के मैंने जो काम किए हैं आज तक जिंदगी में, उस सब का एक छोटा सा लेखा जोखा मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ये एक किताब थी जो बिल गेट्स ने लिखी थी। बिल गेट्स आप हम सब उनसे वाकिफ हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हुआ करते हैं, और हमें सबको पता है कि किस छोटे से लेवल से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक हैं। तो स्पीड ऑफ थॉट यानी बिजनेस, हमें जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो हमारे डिसीजंस सही और गलत अगर सही होते हैं तो हमारी जिंदगी, हमारी बिजनेस रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ता है, और अगर कहीं डिसीजंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कई बार हमारा बिजनेस वहां नहीं पहुंच पाता जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों से कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, और आप सबसे निवेदन है कि अपने चैट बॉक्सेस ओपन रखें ताकि जब भी मैं कुछ पूछूं तो इस तरह से मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि वेबिनार्स का फायदा है कि हाँ, हम घर बैठे बैठे सारी बातें एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन एक नुकसान ये भी है कि घर बैठे बैठे हमारा दिमाग भी बहुत जल्दी इधर उधर चला जाता है। सो कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाले एक घंटे एक दूसरे से कुछ बातें करें, कुछ बातें शेयर करें, तो शायद मेरे लिए भी कुछ नई लर्निंग होगी और आपके लिए भी कुछ ना कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। सो चैट बॉक्सेस में आंसर कीजिएगा कि एक सिलिकॉन वैली में एक छोटी सी कंपनी थी जो $7.5 लाख में बिकने के लिए आई थी, लेकिन एक्साइट जो अब ask.com है, उस कंपनी ने वो जो छोटी सी कंपनी थी उसको खरीदने से इनकार कर दिया, और आज वो जो छोटी कंपनी है उसकी वैल्यू $365 billion है। और वो कंपनी कौन सी है कि जिसके बिना शायद आज का हमारा एक भी दिन कटता नहीं है, तो क्या मैं जान सकती हूँ आप लोगों से कि वो कौन सी कंपनी है? मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ, मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा। अगर कोई टेक्निकली मुझे हेल्प कर सकता है, बिकॉज चैट बॉक्स नहीं दिख पा रहा है मुझे मेरा। You are co-host, ma'am. I'm sorry? You are co-host. I guess. Kanika ji, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा है Google, Microsoft, Hans, Google, WhatsApp, बहुत सारे लोगों ने लिखा है।
गूगल गूगल बिल्कुल सही जवाब है, गूगल इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ऑर्टन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे और टेलीग्राफ की मोनोपोली हुआ करती थी उस समय की बात है. उनके सामने एक ऑफर आया, 1870 की बात है, कि 1870 में उनके पास एक ऑफर आया कि $1,00,000 आप हमें दीजिए और आप ये जो इन्वेंशन है उसका पेटेंट करा लीजिए. लेकिन उन्हें ये शायद अमाउंट बहुत ज्यादा लगा तो उन्होंने इस बात को नकार दिया. और आज हमारे वापस से, जैसे मैंने गूगल की बात की थी कि हम अपनी उस जिंदगी भी सोच भी नहीं सकते गूगल के बिना, वैसे ही ये जो एक इन्वेंशन है उसके बिना भी हमारी जिंदगी शायद पॉसिबल नहीं है. क्या आपको पता है कि वो कौन सा इन्वेंशन था? प्लीज मुझे फिर से कोई हेल्प कीजिएगा, बिकॉज मुझे चैट बॉक्स अभी भी नहीं लिखा है. व्हाट्सएप लिख रहे हैं लोग, व्हाट्सएप नहीं था. और सोचिए 1870 की बात है, 1870 में कोई इन्वेंशन हुआ था. व्हाट्सएप तो बड़ा नया, टेलीग्राफ टेलीग्राफ उस समय चला करता था, लेकिन टेलीग्राफ से थोड़ा सा आगे सोचने की कोशिश कीजिए. ऐसा क्या था उस समय? टेलीफोन इट वॉज. ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था. और आज हम सबको पता है कि टेलीग्राफ एकदम खत्म हो गया है, लेकिन टेलीफोन आज भी हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है. रोज पेरोट एक बिलियनियर थे उस समय और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, यूएसए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह गए थे. 23 साल का एक लड़का था, 1979 की बात है. उसने अपनी कंपनी को बेचने के लिए $50 million का प्राइस रखा. उन्होंने कहा कि $50 million की रेंज में मैं आपको अपनी कंपनी बेच दूंगा. लेकिन फिर से रोज पेरोट को लगा कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है. और वो जो इंसान है, वो जो 23 साल का लड़का जिसने उस समय पे अपनी कंपनी नहीं बेची, वो इंसान आज इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में से एक है. कौन है वो? राकेश जी आंसर्स से मेरी हेल्प कर लीजिए. मैम अपर मोर वाला ऑप्शन में देखिए नोटिफिकेशन आ गया. ओके, बिल गेट्स इट इज. यस, 1979 में 23 साल का लड़का, और उसके बाद हम सबको उनकी कहानी पता है. ये सारे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत बड़े बड़े और अब्रॉड वाले हमने एग्जाम्पल्स दे दिए. चलिए अब आपके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो हमारे शायद दिल के बड़े करीब हैं. कैंट आरो, हम में से आरो मेरे ख्याल से हर किसी के घर में लगा हुआ होगा. और कैंट एक ऐसा नाम है कि आरो सुनते ही हमें कैंट याद आता है. तो वो कैंट आरो की शुरुआत कैसे हुई? कैंट आरो वो जो जिन्होंने उसकी शुरुआत की, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी. सब पहले वो IOCL में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब किया करते थे. और एक बार उनको कुछ समय बाद लगा कि ये जॉब मेरे बस की बात नहीं है या मुझे कुछ और करना चाहिए जिंदगी में. तो 1985 की बात है, 1985 में उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में ₹20,000 की उनकी सेविंग थी, उससे अपना काम करना स्टार्ट किया. इंजीनियर थे तो उन्होंने कुछ एक पेट्रोलियम को बचाने वाला कुछ टूल बनाया. 1998 की बात है, उनके बेटे की तबीयत खराब हुई, उनके बेटे को हो गया जॉइंडिस. उन्होंने कहा, उनको समझ आया कि जॉइंडिस होता क्यों है. जॉइंडिस होता है अगर पानी खराब होता है उसकी वजह से जॉइंडिस होता है. तो चलिए क्या करते हैं, एक अच्छा सा प्यूरिफायर यूज करते हैं. उन दिनों की बात अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम घर थे जहाँ पे प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स यूज किया करते थे. हम लोग जनरली नल का ही पानी यूज किया कर लिया करते थे, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको कपड़े से छान लिया करते थे. तो उस समय बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं था वाटर प्यूरिफायर्स का. उन्हें लगा कि शायद ये सही समय है कि जब मैं, और उन्होंने बहुत सारी आप मार्केट में गए, बहुत सारी चीजें ढूंढी, और उन्हें जितने भी उनको मिले, उन जित आई गेस किसी ने स्क्रीन शेयरिंग अपनी स्टार्ट कर दी है. अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच.
तो उन्होंने बहुत सारे आपस में बहुत सारे मार्केट में रिसर्च की और उन्हें लगा कि कोई भी इतना अच्छा प्यूरिफायर नहीं है, और 1998 में उन्होंने वो प्यूरिफायर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि इंजीनियर थे, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं था, लेकिन बेचना शुरू कर दिया। और जब आज वाटर प्यूरिफायर्स की दुनिया में केंट एक सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम है, 40% शेयर सिर्फ और सिर्फ केंट का है, और 580 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आज उस छोटी सी कंपनी का है। और बहुत बड़ी बात क्यों करें, हम सब ने निर्मा का भी नाम सुना होगा, चलिए निर्मा की बात बाद में करते हैं, क्विक हील टेक्नोलॉजीज की बात करें, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। मैं आपको ले जाना कहाँ चाहती हूँ, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, ये सारी बातें करने का मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और वो है मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या आपको लगता है कि एक सही डिसीजन हमारे हमारे बिजनेस को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। शायद वो टेलीग्राफ के ओनर का डिसीजन गलत हो गया था, या शायद वो एक 23 साल के लड़के से वो कंपनी खरीदने का डिसीजन गलत था, इस वजह से वो आज वो अपनी हाइट्स अचीव नहीं कर पाए। तो हम बहुत बड़ी बातें ना करके छोटी सी बात पे आते हैं कि हम अपनी बात पे आते हैं, आपको क्या लगता है कि हम एक दिन में कितने डिसीजंस लेते हैं, कितने निर्णय लेते हैं? चैट बॉक्स ओपन कीजिए और जल्दी जल्दी से मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि हम एक दिन में कितने डिसीजंस लेते हैं। वापस से कुछ इश्यू है, किसी ने लिखा 35,150 to 170, मोर देन 100, 3 to 4, मोर देन 25, मोर देन 25, 2/3, 100, फ्रीक्वेंटली डिसीजन लेते हैं, किसी ने लिखा डिपेंड ऑन सिचुएशन, किसी ने लिखा 10, किसी ने लिखा यहाँ 1 या 2, किसी ने लिखा मल्टीपल, मोर देन लैक। वंडरफुल वंडरफुल, ये जो 35,000 वाला जो आंसर है ये एग्जैक्टली करेक्ट है। हम एक पूरी स्टडी की गई है इसके ऊपर, और हमें वहां स्टडी में पता लगा कि हम दिन भर में 35,000 डिसीजंस लेते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस 35,000 में से 227 डिसीजंस तो हम सिर्फ खाने से रिलेटेड लेते हैं। लॉकडाउन के समय की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो बीवियां जो बना के दे दे वही बहुत है, जो थाली में आ गया वो खाना पड़ता है, बट अदरवाइज अगर जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो तब हम दिन भर में 35,000 डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम कॉन्शियसली लेते हैं, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट हैं और हम उनके ऊपर अपने आप काम करने लग जाते हैं। तो आप सोचिए इतना आसान तो नहीं है 35,000। जी हाँ बिल्कुल, 35,000 एकदम सही नंबर है, आप गूगल करके देखिएगा आपको ये नंबर मिलेगा। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की क्या आती है, जब भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं या अपनी जिंदगी नॉर्मली भी जी रहे हैं तो हमें 35,000 डिसीजंस लेने हैं, और डिसीजंस जब आसान है, एक है या तो ये या तो ये, या तो सही या तो गलत, तब समस्या नहीं आती। समस्या कहाँ आती है, जब दो डिसीजंस, जो दो अल्टरनेटिव हमारे सामने रखे हों, वो दोनों के दोनों अल्टरनेटिव्स इक्वली गुड, दोनों एक जैसे अल्टरनेटिव्स हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं। सो डिसीजन मेकिंग की बात कब आएगी, जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम जा सकते हैं, अनसर्टेनिटी है, एक डिसीजन लेंगे तो हो सकता है अच्छा हो जाए लेकिन हो सकता है गलत भी हो जाए, हाई रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस, हो सकता है कि हमने किसी को माल बेच दिया लेकिन वहां से हमें पैसे ही नहीं मिले, हो सकता है बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था और वो कंसाइनमेंट ही गलत आ गया, हमने इंपोर्ट किया और वो कंसाइनमेंट ही गलत आ गया। इंटरपर्सनल इश्यूज, आपके पार्टनर्स के साथ में आपके इंटरपर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस है तो हो सकता है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स अलग चाह रहे हो, आपके ब्रदर कुछ और चाह रहा हो और आप कुछ अलग चाह रहे हो, और कॉम्प्लेक्सिटी, जब प्रॉब्लम्स होंगी, जब बहुत सारी चीजें मिली जुली हुई होंगी तभी डिसीजन लेने की बात आती है। सो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक लेडी थी,
12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और जिनसे उनकी शादी हुई वो उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। जब उनकी शादी हुई तो उनके फादर चाहते थे कि वो आगे पढ़े, लेकिन उनकी जो माँ थी वो ऐसा कुछ ज्यादा चाहती नहीं थी। वो कहती थी कि चलिए बच्ची की शादी की उम्र हो गई है, बहुत पुरानी बात है, पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी और हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उनके फादर क्या किया करते थे, उनको घर का काम करने के बहाने बाहर भेजा करते थे और उनकी पढ़ाई उन्होंने चालू रखी। तो 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने पढ़ाई की। 18 वर्ष की उम्र आते आते उनके तीन बेटे हो चुके थे और वो फिर से प्रेग्नेंट थी। कुछ गलत आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई ना कोई गलत समझ की बात हुई और उनके हस्बैंड ने उन पर शक करना शुरू कर दिया और उनके हस्बैंड को लगा कि ये शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही है। और when she was pregnant, पूरे 9 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, तब उनको ऑलमोस्ट डेथ तक उनको मारा गया। जो उनके घर के बाहर गायों का एक दड़बा था वहां पे उन्होंने अपनी बच्ची को, जो चौथी उनकी बच्ची थी, वहां पर उन्होंने उसको जन्म दिया। जो उनके घर वाले थे उनको लगा कि ये मर गई होगी क्योंकि उसको उस तरह से मारा गया था, लेकिन वो जिंदा थी। उन्होंने जिस कैसे तैसे करके अपने आप को बचाया और वहां पे एक गाय थी जिसकी वो रोज सेवा करती थी, उस गाय ने उनकी रक्षा करी। तो जब वो ऐसी सिचुएशन में थी तब उन्होंने अपने आप से कहा कि जैसे इस गाय ने मेरी रक्षा करी है, मैं भी दुनिया में और लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। हम में से अगर हम लोग को छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो अब शायद हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक ऐसी इंसान थी जिसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम जिंदगी में आती रही और एक समय ऐसा आया कि जब ये जो आपको राइट में पिक्चर दिख रहा है कि उन्हें लगा कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, रेल की पटरी के आगे जाके वो सो गई अपनी उस छोटी सी बच्ची को लेकर। तब भी वहां पे उन्होंने देखा है कि एक छोटा सा एक आदमी है जो भूखा है, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी उनके मन में विचार आया कि जिंदगी को खत्म करना बहुत आसान है, जिंदगी के सामने हार मानना बहुत आसान है, लेकिन क्या मेरे लिए मेरी जिंदगी का यही ऑब्जेक्टिव था, यही पर्पस था? शायद मैं कुछ और भी कर सकती हूँ अपनी जिंदगी से। और वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म नहीं करनी है। उन्होंने अपनी बच्ची को उठाया, भीख मांग के वो जो आदमी था उसका पेट भरा और उस दिन से उन्होंने उस आदमी और उस जैसे कई सारे जो अनाथ बच्चे थे उनको गोद लेना शुरू करा, भीख मांग के उनको खाना खिलाना शुरू किया। और वो औरत सिंधु ताई सपकाल, आज ये आपने आप इस पिक्चर पर देख पा रहे होंगे कि भारत के 3-3 राष्ट्रपतियों से उनको अवार्ड मिल चुका है और वो मदर ऑफ ऑर्फन्स, अनाथों की माँ और आई के रूप में जानी जाती है। तो जिंदगी का एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है और बिजनेस में भी एग्जैक्टली ही ऐसा ही होता है। एक सही डिसीजन और हम लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा सकते हैं और शायद एक गलत डिसीजन हमें लाखों करोड़ों का नुकसान भी करा सकता है। कोका कोला और पेप्सी हम सब पीते होंगे और आप सबको, हमें सबको पता है कि कोका कोला और पेप्सी में हमेशा से बड़ी राइवलरी रही है, बड़ा झगड़ा रहता है। सो पेप्सी जब नई नई आई थी तो उन्होंने क्या किया कि कहीं कैसे न कैसे करके मार्केट में अपने पैर जमाने हैं। तो क्या किया उन्होंने, ब्लाइंड टेस्ट स्टार्ट किए, बड़ी बड़ी मॉल्स के बाहर अपनी एक छोटी सी टेबल लगा के और एक तरफ रखते थे कोका कोला और एक तरफ रखते थे पेप्सी। लोगों को कहते थे आंखें बंद कीजिए और दोनों कोल्ड ड्रिंक्स का एक एक सिप लीजिए और बताइए कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक उनको ज्यादा अच्छी लग रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोक बहुत पुराना ब्रांड था, लोगों के दिमाग में दिल में बसा हुआ था, लेकिन जब वो टेस्ट किया गया तब क्या हुआ, लोगों को पेप्सी ज्यादा पसंद आने लगी। कोक के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, लोग को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक एस्टैब्लिश ब्रांड, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं,
फिर पेप्सी में ऐसा क्या है कि लोग उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? तो जो कोक की रिसर्च डेवलपमेंट टीम थी, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जानने और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ पेप्सी में और कोक के स्वाद में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने जब पेप्सी को टेस्ट किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि पेप्सी कोक से ज्यादा मीठी है और इस वजह से लोगों को वो शायद ज्यादा पसंद आ रही है। कोक ने अपने आप में थोड़ा सा चेंज किया और उसको थोड़ा सा मीठा बनाया। ये ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट फिर भी चलते रहे, फिर भी लोग पेप्सी को ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो कोक को रियलाइज हुआ कि थोड़ा मीठा मिलाने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेप्सी के लेवल पे आने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को भी उतना ही मीठा बनाना पड़ेगा, हमें अपने टेस्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। और तब उन्होंने न्यू कोक लॉन्च की। अब क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की थी, सारे टेस्ट उसके अगेंस्ट जा रहे थे, तो उन्होंने जब वो न्यू कोक लॉन्च किया तो उन्हें लगा कि अब तो हमें पेप्सी से कम्पीट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, हुआ क्या कि कोक की सेल पहले जो हुआ करती थी उससे भी और कम हो गई। रीजन क्या रहा होगा? रीजन ये था कि जब इंसान एक सिप पी रहा है तो उसे मीठापन अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पूरा एक कैन पीना है, जब पूरी एक बॉटल पीनी है, तब वो मिठास ओवरपावर कर गई और अच्छा नहीं लग रहा था। और कोक ने जब ये पूरी रिसर्च करी तब उन्हें समझ आया कि वापस हम अपने पुराने टेस्ट पर जाते हैं। और जैसे ही वो पुराने टेस्ट पर गए, ऑटोमेटिकली उनकी सेल वापस से इंक्रीज हो गई। तो जब भी हमें अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेने हैं, अपनी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, सिर्फ एक ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट, सिर्फ एक चीज को दिमाग में रख के कभी भी डिसीजंस ना लें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, और जब हम बहुत सारी चीजें कंसिडर करके डिसीजन लेंगे तब हमारा डिसीजन डेफिनेटली हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। लेकिन एज बिजनेसमैन और एज ह्यूमन बीइंग्स हम बहुत ही इरेशनल होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने हमारे पहले ही प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम पहले ही सोच कर बैठे हुए होते हैं और उसी बेसिस पे हम अपने आगे डिसीजंस ले लिया करते हैं। सो आज मैं आप लोगों को उन चार ऐसे बायसेस के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से हम हमारे डिसीजंस गलत लेते हैं। और वो गलत डिसीजन लेने से क्या होता है, हम अपना पैसा खोते हैं, हम गलत चॉइसेस कर लेते हैं और हम गलत धारणाएं बना लेते हैं जो लॉन्ग रन में हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। सो देयर आर बेसिकली चार बायस होती हैं जो हमारे जजमेंट को, जब हम हमारे निर्णय लेने की क्षमता को सबसे ज्यादा खराब करती है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको स्वर्ग जाना चाहिए? जीवित और मृत कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी जो आपको लगता है कि जिनको स्वर्ग जाना चाहिए या वो डेफिनेटली स्वर्ग गए होंगे? वापस टाइम हमारा चैट बॉक्सेस में आंसर करने का। अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, बिग बी, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, एपीजे अब्दुल कलाम, मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, रतन टाटा, मोदी जी, अमिताभ बच्चन, स्वामी विवेकानंद, अरे वाह, सलमान खान और रतन टाटा, आपकी माँ, बहुत बढ़िया, राहुल गांधी, मोदी जी, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत सारे हमारे पास जवाब आ गए। मदर टेरेसा, अरे वाह, अरुण जी, आपने हमारा यहाँ पे जो सर्वे हुआ था वो भी अब्रॉड में हुआ था और वहां पे भी लोगों ने यही कहा कि 79% जनता ने कहा कि मदर टेरेसा डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगी। अच्छा,
कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे? आप में से कितने लोग मानते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे? यहाँ लिखेंगे तो जाने के चांसेस शायद ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो जल्दी से मुझे जल्दी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ वो स्वर्ग जाने वाले हैं। वंडरफुल वंडरफुल, हमारे यहाँ पे सभी बहुत, किसी ने कभी कोई जिंदगी में पाप किए ही नहीं है और सबके सब स्वर्ग जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत है। अभी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही सर, मैं कभी नहीं बोल रही कि आप अभी के अभी चले जाएंगे। अभी तो हमें बहुत बड़ी जिंदगी है अपनी जो पूरी जीनी है, और रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर भी कर लिया है कुछ लोगों ने। वंडरफुल वंडरफुल। सो उसी सर्वे में ये बात देखी गई कि 79% लोगों ने कहा था कि मदर टेरेसा जाएंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा 87% लोगों ने कहा कि मदर टेरेसा को तो नहीं पता, मैं जरूर स्वर्ग जाने वाला हूं। यहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ मैं तो डेफिनेटली स्वर्ग जाने वाला हूं। हमें अपने आरे में ये गलतफहमी होती कैसे है, मुझे ये जानना है आप लोगों से। मैंने कहा क्या हम में से कभी किसी ने कोई पाप नहीं किया? अगर हम अपने पापों की लिस्ट बनाने बैठे तो शायद बहुत बड़ी फहरिस्त बन सकती है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अच्छे हैं, और इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। जब भी कोई काम अच्छा होता है तो वो काम किसने किया? वो काम मैंने किया, वो काम अच्छा हुआ मेरी वजह से हुआ। और जब भी कोई फेलियर होता है या जब भी कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से किसी और के ऊपर वो सारा का सारा दोष डाल देते हैं। अगर कोई हमें पसंद करता है वो इसलिए करता है क्योंकि हम अच्छे हैं, और कोई अगर हमें ना पसंद करता है, रिजेक्ट करता है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो हमें समझ नहीं पाया या वो गलत है, क्योंकि हमने तो अभी डिसाइड कर ही लिया था कि हम अच्छे हैं। और कई जगह ये सेल्फ सर्विंग बायस अच्छी भी है, हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है, हमें अपने प्यार करना सिखाती है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अगर हम हमेशा अपनी गलतियों पर आंखें बंद कर लेंगे, हम कभी भी अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और हमेशा कोई ना कोई और, किसी ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढते रहेंगे जिसके ऊपर हम अपनी गलतियां डाल सके, अपना दोष डाल सके, तो क्या आपको लगता है कि जिंदगी में हम सही डिसीजंस ले पाएंगे? शायद नहीं। तो इस सेल्फ सर्विंग बायस से पार पाने का क्या तरीका है? ऐसे दोस्त रखिए अपने पास में जो आपके पैरों को जमीन पर रख सकते हैं। ये सेल्फ सर्विंग बायस हमेशा हमारे साथ सबसे कम हमारे तब होती है जब हमारे अच्छे दोस्त या हमारे ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनके साथ हम बहुत खुलकर बात कर सकते हैं, जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, या जिनके साथ हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैच होती है, उनके साथ में हम अपने आप को ऊपर नहीं रखते हैं, और गलती भी होती है तो हम मान लेते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के बहुत बड़े बिजनेसेस होंगे और आप लोग कई सारे कंसल्टेंट से सलाह लिया करते होंगे, तो जब भी बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना होता है जहां पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व्ड है, या आप बड़ा पैसा यानी कि एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए 1 लाख रुपया भी बहुत बड़ा हो सकता है और एक बड़े एंटरप्रेन्योर के लिए 1 करोड़ भी बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है, तो आपकी जिंदगी का, आपके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है तो किसके साथ लें? आपके पास अगर एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट्स का ग्रुप नहीं है, आपके पास एक बहुत बड़ा पैनल नहीं है, तो अपने दोस्तों के पास जाइए, उन लोगों के पास जाइए जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं और वो आपको सही सलाह देंगे। वहां पे मैं बीच में नहीं आएगा, हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। सेकेंड चीज है कॉग्निटिव
फ्लुएंसी, जो आसान है वो सही है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, जो हमें लगता है सुनने में कि ये बहुत आसान है वो हमें अच्छा लगता है। जहां भी प्रॉब्लम आई, जहां पे भी थोड़ी सी मेहनत करने की बारी आई, वहां पे हमारे दिमाग को लगता है कि ये डिफिकल्ट है। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको, अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली जो बात लिखी हुई है, टक योर चिन इनटू योर चेस्ट, अपने चेस्ट में अपने चिन टक कीजिए, फिर अपनी चिन को ऊपर कीजिए जहां तक हो सकता है, 6 से 10 बार रिपीट कीजिए। लो, अपने लेफ्ट कान को अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ लोअर कीजिए, फिर अपने राइट ईयर को अपने राइट शोल्डर की तरफ लोअर कीजिए, 6 से 10 बार करना है। एग्जैक्टली वही बात नीचे भी लिखी हुई है। ये सर्वे जब लोगों पे किया गया तो लोगों को ऊपर वाली चीज करने में, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने में 9 मिनट का समय लगा, और जब नीचे वाले फॉन्ट में लिखा हुआ था तो लोगों को वही काम करने में 15 मिनट का समय लगा। बात एकदम सेम है, लेकिन हमने हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसे की हुई है, क्योंकि ऊपर वाला जो फॉन्ट है वो क्लियर है, इसलिए हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, इसलिए हम उस प्रोसेस को आराम से फॉलो कर पाए, और जब नीचे लिखा हुआ है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़े फैंसी से फॉन्ट्स में वो अपने नाम लिखते हैं, या कभी भी कोई भी आप, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नुकसान देती हैं, और अगर मैंने आपको 50 नाम लिख के दिए तो हमारा मेंटल प्रोसेस कैसे, थॉट प्रोसेस कैसे काम करेगा कि जो नाम बड़े होंगे, जो हमको प्रोनंसिएशन करने में मुश्किल होगी, हम वो सोचेंगे कि ये वाली चीज डेफिनेटली मेरे लिए नुकसानदायक होगी। कोशिश कीजिएगा कभी भी अपने आप, जब भी आपके सामने ऐसी कोई चीज आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो आसान होता है वो सही होता है, इस तरह से काम करता है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक आज कोई नया स्टॉक मार्केट में आने वाला है, तो जिनके नाम आराम से बोले जा सकते हैं, प्रोनंसिएबल नेम्स हैं, वो स्टॉक 30% ज्यादा प्राइस के साथ खुलता है, जबकि अनप्रोनाउंसिएबल नेम्स जिनको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो वाले स्टॉक्स 30% कम रेट पर खुलते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं उनके दिमाग किस तरह से ट्रिक करते हैं कि यार ये नाम बोलने में आसान है तो डेफिनेटली ये ज्यादा प्रॉफिट्स देगा, और इन द लॉन्ग रन 6 महीने की अगर हम बात करने चले तो 6 महीने में दोनों के दोनों स्टॉक्स वापस से अपने आप को एवरेज आउट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बाद में धीरे धीरे समझ आने लगता है कि नहीं, इट इज नॉट अबाउट द नेम। सो जिंदगी में जब भी हमें लगे कि ये चीज बहुत आसान है सुनने में, जब भी कोई बिजनेस प्रपोजल आए और सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, दैट इज द टाइम जब आपको अपने अपने इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करना है कि क्या सब सही है। हम में से काफी सारे लोग हैं जो शादीशुदा होंगे, तो जब रिश्ते आया करते थे तो किसी रिश्ते में अगर सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, परिवार भी बहुत अच्छा है, सारी बातें हरी हरी नजर आ रही है, तो तब कोई ना कोई घर में एक समझदार होता होगा, वो डेफिनेटली कहता होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात है। और तब शुरुआत होती है किस चीज की, चलिए पता करते हैं उनके फैमिली के बारे में, और किन से जाके पता करते हैं, उनके लोगों से पता नहीं करते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी है वहां से पता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई थी। सो जब भी कोई भी बिजनेस डिसीजन सुनने में बहुत आसान लगे, बहुत ज्यादा कानों को अच्छा लगे, तब क्वेश्चन कीजिए कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो गलत हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजों में फंस जाया करते हैं कि आपके पैसे 2 साल में डबल करके दे देंगे, या चिटफंड कंपनीज होती हैं, या ऐसे कई सारे एग्जांपल्स अगर हम अपने आगने सामने नजर घुमाएंगे तो हमें पता लगेगा वहां पे समस्या होती है। हम लोग रैशनल हैं, थोड़े समझदार हैं, तो हम उसमें नहीं फंसते, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों को आपने देखा होगा, मैंने अपनी मेड्स को देखा है स्पेसिफिकली, ऐसे चंगुलों में कई बार
फंसते हुए, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से बना। उसके बाद बात करेंगे संक कॉस्ट फैलेसी। हम सब बिजनेस में हैं, हम सबको पता है कि संक कॉस्ट क्या होती है। हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं तो उसके लिए हम पहले सर्वे करेंगे मार्केट का, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा खर्च करेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट चले या वो प्रोडक्ट नहीं चले, हमारी वो कॉस्ट तो डेफिनेटली चली ही जाएगी। मानिए कोई मूवी बनाई है, हमने 5 करोड़ के पैसा लगा के एक मूवी बनी और अनदर 10 करोड़ उसके प्रमोशन के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, वो फिल्म सिर्फ 20 करोड़ का ही व्यवसाय कर पाई। तो जब वो जो प्रोड्यूसर है अगली फिल्म बनाएगा तो वो ये सोचेगा कि वो वाला पैसा तो उसमें खत्म हो गया, मैं अब नया स्टार्ट करता हूँ। नहीं, हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जो नई फिल्म बनाएंगे उससे हम कोशिश करेंगे कि हम कॉस्ट भी रिकवर कर लें, क्योंकि हम एज बिजनेसमैन, और जैसे मैं कहती हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं सबको यही कहती हूँ कि एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बनिए वैसे ही बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने पैसे को लेके, और अगर साथ में सीए या अकाउंट्स में अच्छे हैं तो वो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा। वही वाली बात है कि हम अपने पैसे को कभी भी जाया नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा बस ऐसे ही चला जाए। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है। फर्ज कीजिए कि आप एक मूवी देखने गए और मूवी के इंटरवल तक आते आते आपको समझ आ गया कि ये मूवी बहुत ही बुरी है, बहुत ही बकवास मूवी है और मेरा सर दर्द हो रहा है। यहाँ पे सबके फेसेस देख के आपको लग रहा होगा। आप लोगों के से वापस से एक बार छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछने चाहूंगी कि कौन सी आखिरी ऐसी मूवी थी जो आपने देखी थी जो बहुत ही बुरी थी, और उन मूवी में आपने क्या किया? आप पूरी मूवी देखी थिएटर में या बीच में उठ के आ गए मूवी और आपने क्या किया? जल्दी से मुझे रिप्लाईज दे दीजिए कि वापस से चैट बॉक्सेस में बहुत सारे रेज्ड हैंड्स देख रही हूं मैं। गली बॉय देखी, पूरी देखी या बीच में उठकर आ गए? ट्यूबलाइट देखी, ओके। NH30 देखी, क्या किया? बीच में उठे, हाउसफुल 4 देखी, ओके। और क्या किया सर, क्या किया आपने? ओके, पूरी देखी लेकिन एंजॉय नहीं किया, पूरी देखी, कुछ लोग वापस भी आ गए। मगर मेजरली लोगों ने क्या किया? मेजरली लोगों ने पूरी मूवी देखी। क्या सोचा कि जब 1000 रुपए इस मूवी के ऊपर खर्च कर ही दिए, और आजकल कम से कम 1000 रुपए लगते हैं एक छोटी सी भी मूवी देखने जाते हैं, 2-3 लोग साथ में गए हैं, तो क्या किया कि चलो जब 1000 रुपए खर्च करे ही है तो मूवी देख ही लेते हैं। लेकिन ये संक कॉस्ट फैलेसी क्या कहती है? वो यही कहती है आपने 1000 रुपए तो वेस्ट कर ही दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपने उसके साथ साथ और क्या खराब किया? उसके साथ साथ आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा और खराब किया, जो आप कहीं और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते थे। मेरे घर के सामने का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। एक फैमिली थी जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने धीरे 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 पैसा जमा करके माइंस, खान होती हैं वो खरीद ली। मैं कोटा को बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ कोटा स्टोन बहुत मिलता है, हमारे आसपास काफी कोटा स्टोन होता है, तो और इस तरह से काफी सारी माइंस हैं हमारे आसपास में। तो उन्होंने माइंस खरीदी, धीरे 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 बहुत अच्छा करते गए, बहुत अच्छा करते गए, और बहुत बड़ी कोठी उन्होंने बना ली। लैविश लैविश शाही अंदाज से वो जीते थे। 1990 की बात है, मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत छोटी हुआ करती थी मैं, और उन्होंने उनकी बेटी की शादी थी। उस समय शादी ब्याह में बहुत लिमिटेड वैरायटी बना करती थी खाने में। उस समय उन्होंने उनके शादी में, उन दीदी की शादी में, मुझे अच्छे से याद है 50 वैरायटी की मिठाइयां थी, और वो एक ऐसी शादी थी जिसमें पूरा कोटा वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ यहाँ पे क्या होने वाला है। पूरी शादी का टेंट मेरे घर के आगे नया बना था। बहुत रिच हो गए, बहुत रिच हो गए। लेकिन क्या हुआ,
अल्टीमेटली एक गलत डिसीजन, एक माइंड गलत खरीदने में आ गई और उस माइन में धीरे धीरे उनने खोदते गए माइनिंग करते गए लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। एंड माइन अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, पहले उसको खरीदना और फिर एक्सकेवेशन करना, दोनों बहुत सारा पैसा लेते हैं। हुआ क्या, अल्टीमेटली वो उस पे पैसा लगाते चले गए और इस लेवल तक उन्होंने पैसा लगाया कि उनकी कोठी बिक गई, उन्होंने बहुत ज्यादा जगह से लोन्स उठाया और वापस वो उसी लेवल पर पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की। गलती कहां हुई, कौन सा गलत डिसीजन हुआ, संक कॉस्ट फैलेसी। उन्हें लगा कि क्योंकि मैं इतना पैसा और लगा चुका हूँ, थोड़ा और लगा लेता हूँ तो शायद मैं वापस निकलकर इस लॉस से ऊपर निकलकर आ जाऊंगा। और हम में से भी कई लोग होते हैं, अगर स्टॉक्स में आप लोग डील करते होंगे तो कई बार आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, शेयर्स में अगर डील करते हैं तो हम थोड़ी सी लालच करते हैं, क्या पता अब इसका प्राइस बढ़ जाए, और हम करके कई बार बहुत ज्यादा पैसा हम इन्वॉल्व कर देते हैं। और कई बार जब मार्केट क्रैश होते हैं तो हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो जो हो गया है उसके ऊपर हम क्या करें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या ये जो कॉस्ट मेरी ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ या लगा चुकी हूँ उससे आगे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसाइड कीजिए। और अगर लगता है कि शायद कोई गलत डिसीजन हो सकता है, छोड़ दीजिए, संक कॉस्ट वाला कंसेप्ट याद कीजिए कि हाँ कोई बात नहीं, पैसा डूब गया, हम इस पैसे को किसी और बिजनेस से कमाएंगे, इसी बिजनेस में लगाते चले जाएंगे तो शायद नुकसान बढ़ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, 1000 रुपए तो गए ही थे, 1 घंटा और हमने अपनी जिंदगी का खराब किया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि संक कॉस्ट पॉलिसी यही कहती है। कंफर्मेशन बायस, चौथी तरह की हमारी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है हम वैसी ही बातों के कंफर्मिंग एविडेंसेस ढूंढते हैं। अगर हमें हमसे पूछा गया कि आज मौसम बहुत अच्छा है ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है। और अगर कोई ऐसे पूछेगा आज मौसम कितना खराब है, तो हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग खराब चीजों के ऊपर फोकस करने लगेगा और हम सोचेंगे कि हाँ शायद आज मौसम खराब ही है, चाहे दूसरों के लिए वो मौसम अच्छा होगा। As the CEO of the company, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का मार्केट में सोचा और मैंने अपनी टीम से कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इस मार्केट में तहलका ला देगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, जाओ और मार्केट में सर्वे करके आओ, जाओ देखो, बदले मुझे रिपोर्ट दो के क्या होने वाला है। और जब मेरी टीम मेरे साथ वो रिपोर्ट्स लेके आएगी ना, उनके दिमाग में मैंने पहले ही ये चीज सेट कर दी है कि ये जो प्रोडक्ट मैं सेल करने वाली हूँ ये बहुत अच्छा चलने वाला है। तो क्या करेंगे, तो मेरी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को कंफर्म करेंगे, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उसके ढूंढ के लेके आएंगे। लेकिन आप मुझे सच बताइए, अगर पहले ही मैं ये सोच के बैठी हूँ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो जिंदगी में जो समस्याएं आने वाली है, हमारे बिजनेस में जो समस्याएं आने वाली है, वो पता कैसे लगेंगी। तो हमेशा न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछिए कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाली हूँ तो अपनी टीम को ऐसा बोलूं कि ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में जिसको मैं सोचती हूँ कि मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूं, तो आपको क्या लगता है, जाइए सर्वे कीजिए, मुझे बताइए कि क्या वो सही होगा या गलत होगा। मिशन मंगल अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो अक्षय कुमार आखिरी में धन्यवाद देता है किसको, उनको जिन्होंने कहा था कि तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, डेविल्स एडवोकेट जिसे कहते हैं। एक जना हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हमारी हर चीज पे क्वेश्चन करे कि नहीं, जो तो तुम करने वाले हो सकता है ये सही हो और हो सकता है कि ये गलत हो। जब ऐसा कोई हमारे पास क्वेश्चन करने वाला होता है
तभी हम अपने माइंड के हमारे परसेप्शन को बड़ा करते हैं, तभी हम सोचने की कोशिश करते हैं, तभी हम नेगेटिव साइड्स की तरफ भी जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि हाँ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तब एक जना ऐसा हो या अपने आप को फिर से क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको लगता है कि एक्यूप्रेशर मैं लेने वाली हूँ और एक्यूप्रेशर से मेरे में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तब क्या करना है, गूगल कीजिए, समझिए कि एक्यूप्रेशर काम क्यों नहीं करता है और एक्यूप्रेशर से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तभी आपको रियलिटी चेक मिलेगा। सो चार बायसेस और उनके सोल्यूशन, सेल्फ सर्विंग बायस, ऐसे दोस्त रखिए जो आपको धरती पर रखें। कॉग्निटिव फ्लुएंसी, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन कीजिए। संक कॉस्ट फैलेसी, हमारी फ्यूचर कॉस्ट और बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि पास्ट लॉसेस के ऊपर। और कंफर्मेशन बायस, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। राकेश जी, हमारे पास कितना समय और बचा है? आई गेस क्वेश्चन आंसर्स लेने का समय हो गया है। नहीं, समय है अपने पास अभी। कितनी देर है मुझे बताइए, तो उस हिसाब से आगे प्रोसीड करूं। ले लीजिए 15 मिनट और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट करीब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की कि ये तो हमारी दिमाग की जजमेंट इन सब सारी चीजों से क्लाउड होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि जब भी डिसीजन लेना होता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की। हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। अभी मैंने आपका स्टार्ट होने से पहले राठी वो जो ब्रदर्स का अपना एक पूरा वो शोरूम देखा, राठी बिल्डमार्ट का उनका पूरा शोरूम देखा। और अभी कुछ समय पहले हम लोग भी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, तो हम लोग भी क्या उसके चलो जब तक दूसरे का घर बनाना होता था आसान होता था, फटाफट से गए और चूज करके आ गए। लेकिन मैंने मेरा घर भी अभी कुछ समय पहले 2 साल पहले ही बनाया है, तो ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे से शोरूम्स में जाया करते थे और क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, कुछ समझ नहीं आया करता था। टाइल्स अगर घर के लिए पसंद करनी है, हजारों वैरायटीज होती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और टाइल्स तो चलिए फिर भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई, घर के दरवाजे के लिए हैंडल पसंद करने हैं, उसमें भी इतनी वैरायटी है आजकल कि कुछ नहीं समझ आता क्या करना है कैसे करना है। और वो दरवाजे का हैंडल में एक बार जाके पसंद नहीं करके आ पाई, दूसरे के लिए करना होता था क्लिक। ये चार ऑप्शंस है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपके दिमाग में कॉस्ट सेट है, वहां पे आपके दिमाग में आपका कि हाँ यहाँ पे सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होगा, ओके डन। आप जब खुद की बात करते हैं आपको नहीं पता, आपके पास कॉस्ट का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, आपको अपने घर में सब कुछ सबसे बेस्ट लगाना है, तो वहां आता है कंफ्यूजन। ड्रैगर्स, ये जो एक पिक्चर आपको आपके सामने दिख रहा है, ये ग्रोसरी स्टोर है, बहुत ही बड़ा अपस्केल ग्रोसरी स्टोर हुआ करता है यूएसए में, और वहां पे इसको एक अम्यूजमेंट पार्क कहा जाता है। अम्यूजमेंट पार्क इसलिए कहा जाता है कि अगर सिर्फ जैम की बात करें तो 348 तरह के जैम होते हैं वहां पे। ऑलिव ऑयल की अगर बात करें या मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो 80 वैरायटी के ऑलिव ऑयल होते हैं। अब आप और हम जैसे लोग 80 तरह के ऑलिव ऑयल में से पसंद नहीं कर सके, क्योंकि हम डिफरेंस ही नहीं बता सकते कि कौन सा ऑलिव ऑयल अच्छा है या कौन सा खराब है। और फॉरगेट अबाउट ड्रैगर्स और एनीथिंग, हमारे छोटे छोटे जो आजकल सुपरमार्केट्स खुल गए हैं, या वॉलमार्ट की बात करें, वॉलमार्ट 1,00,000 वैरायटी रखता है। हमारे यहाँ कोटा में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बेस्ट प्राइस है, वहां जब जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है। तो ड्रैगर्स में एक सर्वे, एक स्टडी की गई कि जैम की बात करें, 348 प्रकार के जैम थे, तो उन्होंने क्या किया, 1-2 टेबल्स लगाई और एक जगह 6 वैरायटी के जैम रखे और एक तरफ 24 वैरायटी के जैम रखे, और उन्होंने कहा लेट्स सी, लेट अस अंडरस्टैंड कि लोग किस तरह से परचेजिंग करते हैं। तो लोग रुके कहाँ पे ज्यादा, जहां पे 24 वैरायटी के जैम थे।
लेकिन और जहाँ वहां पे 60% लोग रुके और यहाँ 6 जैम वाली जगह पे सिर्फ 40% ही लोग रुके। लेकिन फाइनली जब हमने सेल्स कन्वर्शन की बात करी, जब फाइनली हमें पता लगा कि वो जो 60% लोग रुके थे उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने ही फाइनली वो जैम परचेज की, और यहाँ पे उस 40% में से 40% लोगों ने, अगेन 40 में से 40% लोगों ने वो जैम खरीद लिया। होता क्या है, आप और हम भी अगर एक बहुत बड़े मॉल में गए हैं और हम डेनिम लेने गए हैं, एक जीन्स खरीदने के लिए गए हैं, और आपके साइज की वहां पे कम से कम 1000 जीन्स हैं, तो क्या होगा? हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। और कई बार उसकी वजह से क्या होता है, जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारा एंगेजमेंट कम हो जाता है और हम सोचते हैं आज कभी फुर्सत में आ जाएंगे, जब हमारे पास समय होगा हम तब आ जाएंगे, और हमारी, और अगर हमें लगता है नहीं आज ही खरीद के खत्म करना है, तो हमारी जो डिसीजन की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, हम खराब चॉइसेस करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतनी तो पेशेंस ही नहीं होती कि हम वो सारी की सारी 1000 या 10000 जीन्सेस देख पाए, और सैटिस्फैक्शन भी, और फाइनली होगा ये कि गलत डिसाइड कर लिया तो उससे जो सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था वो भी कम मिलता है। बहुत सारे मेल्स हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में, बीवियों के साथ जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, और अगर स्पेशली अगर बात करें साड़ी की शॉपिंग करने चले गए, अगर मैं मेरे फादर इन लॉ की बात करूं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं, भैया आप ही लोग जाओ, आप ही लोग कर सकते हो ये काम, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 100 साड़ियां देखनी है, 1000 साड़ियां देखनी है, और कई बार ऐसा होता है कि आप एक भी नहीं लेके आते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। और कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, एज फीमेल्स ऑल्सो ऐसा ही होता है कि इतनी चीजें देख लेते हैं समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कट, सिंपली कट। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इसके प्रति जाऊं या इसके ये सेलेक्ट करूं तो क्या करें, जो दो ऑल्टरनेटिव्स आपको लगता है कि एक जैसे हैं या जिनमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनमें से सिंपली एक ऑल्टरनेटिव हटा दीजिए। हेड एंड शोल्डर्स एक ऐसा शैम्पू है जो हम सबको पता है, हम सब ने देखा होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने शुरुआत में हेड एंड शोल्डर्स के 26 वेरिएंट्स निकाले थे, 26 तरह के हेड एंड शोल्डर्स निकाले थे, लेकिन सेल्स बढ़ नहीं रही थी, ज्यादा कम होती जा रही थी, हेड एंड शोल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी मार्केटिंग टीम और उनके सबसे उन्होंने अपने फीडबैक्स दिए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ओवरवेल्म कर रहे हैं, इतने सारों में से वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 26 से किस लेवल पर आ गए, 15 वेरिएंट्स फाइनली रख दिए, और उन्होंने 10% अपने प्रॉफिट में इंक्रीज देखा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 26 से वो 15 पर आ गए। गोल्डन कैट कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, उस वो कैट लेटर प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसने अपनी जो 10 वर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे वो अपनी रेंज में से हटाए, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, 87% प्रॉफिट, 87% का उन्हें डिफरेंस देखा। 87% का डिफरेंस आया कैसे होगा, जो पैसा जहां लगना चाहिए था वहीं लग रहा था, प्रोडक्शन में पैसा वेस्ट हो रहा था, मार्केटिंग में पैसा वेस्ट हो रहा था, शेल्फ स्पेस यूज हो रही थी, सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ 87% ओवरऑल कॉस्ट का बेनिफिट हुआ। ऑल्डी दुनिया की 9th बिगेस्ट रिटेलर चेन है, जैसे मैंने कहा था कि वॉलमार्ट में 1,00,000 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑल्डी सिर्फ, और नॉर्मली अब हम वॉलमार्ट की भी क्यों बात करें, हमारे घर के आसपास जो आपने सुपरमार्केट देखे होंगे वहां पे भी करीब करीब 45,000 तक
प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑल्डी है ये सिर्फ 1400 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और 1400 प्रोडक्ट्स में होने के बावजूद भी दुनिया के 9th बिगेस्ट रिटेलर की जगह पे वो खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए। साड़ी की ही वापस से बात करें तो जब साड़ी खरीदने की बात आती है तो मैं भी कहाँ जाना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे एक ऐसी शॉप है जहाँ पे लिमिटेड वैरायटी मिलती है। आपकी रेंज की शायद 20 ही साड़ियां मिलेगी, लेकिन सिलेक्टेड पीसेस मिलेंगे, तो उन 20 में से डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि मैं एक या दो लेकर आ पाती हूँ। और वही जहाँ पे मुझे वो 1000 साड़ियां दिखाता है, मेरा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है और मुझे लगता है कि नहीं, शायद फिर आके देख लूंगी, हम और कहीं देख लेंगे। तो बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वैरायटी आप दें, कट कीजिए। अगर दो अल्टरनेटिव्स में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट कि हम उसको आगे बढ़ा पाए। ये रिटेलर्स के लिए स्पेसिफिकली एक चीज है जो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शेल्फ स्पेस जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमें बहुत सोच समझ कर हम अपना पैसा भी उसी जगह लगाए जहां से हमें रिटर्न आने के चांसेस होंगे। आप सब देखेंगे कि आपके पास डेड स्टॉक बढ़ता चला जाता है, तो जो आपको लग रहा है कि ये रेगुलर सेल में नहीं जा रहा है, उस चीज को अगर आप कट कर सकते हैं, और अभी बहुत अच्छा समय है हमारे पास क्योंकि हम और कुछ तो कर नहीं पा रहे। मुझे नहीं पता रायपुर में लॉकडाउन का क्या असर है, बट हमारे यहाँ कोटा तो रेड जोन है, तो कम्प्लीटली शट डाउन है। तो अगर हमारे पास समय है हम डेफिनेटली इस चीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जहां कट कर सकते हैं वहां कट कीजिए। ये जो लिखा हुआ है जो लोग पढ़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों से वापस से चैट बॉक्सेस में आंसर चाहूंगी। कि राकेश जी से मेरी बात हुई है और जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लॉकडाउन हट जाएगा, कोरोना का कहर खत्म हो जाएगा, उसके बाद राकेश जी हम में से सब लोगों को, मतलब जो भी जाना चाहेंगे उनको घुमाने लेके जाएंगे, ऑल पेड ट्रिप होने वाला है राकेश जी की तरफ से। तो कितने लोग हैं जो जाना चाहेंगे और कहाँ लेके जाएंगे? लेके जाएंगे स्टेम, बहुत सारे लोगों ने हाथ रेस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। सो स्टेमनाया रोड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जियस माउंटेन्स है, क्लिफ्स है, हरियाली है, ड्रामेटिक सीनरी है, बहुत ही इट कॉम्बिनेशन है। कैसी रोड? पतली पतली सकड़ी सकड़ी रोड है, टॉल टॉल क्लिफ्स है, और इस वजह से उसको दुनिया की सबसे डेंजरस रोड भी कहा गया है। लेकिन डेंजरस है इस वजह से लोगों ने उसको डेस्टिनेशन, पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन वो बन गई है 1990 से। माउंटेन बाइकर्स जो होते हैं या जिनको एडवेंचर का बड़ा शौक है वो लोग बहुत जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए थे। एक बार मैं भी फटाफट से देखूं, अच्छा इसमें एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है कि महीने में ऑन एन एवरेज दो लोग, दो ऐसी व्हीकल्स हैं जो उस रोड से गिर जाया करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो वहां जाएं। चलिए, आपने क्योंकि आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपको वो जगह भी दिखा देती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली जाना चाहते हैं। ये वो जगह है, और अब वापस याद कीजिए जो मैंने कहा था कि ऑन एन एवरेज उस रोड पे से दो व्हीकल्स गिर जाया करते हैं। अब कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं? ऑल पेड ट्रिप है, नेवर, नो वे, नहीं, फिर भी सर कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं। सर इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, अच्छा अभी जीना है ना, बस मैं यही जानना चाहती थी कि जीना है या नहीं जीना है। डेफिनेटली अभी भी आगे जीने की हमारी चाहत बाकी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। हुआ क्या, पहले भी सेम बात बोली थी मैंने, बट जैसे ही सामने पिक्चर आई हमारे बहुत सारे लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं। जब हम शॉपिंग करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, हम 15-30% ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और उसकी जगह जब हमें हार्ड कैश देना पड़ता है तो हम 15-30% खर्च करते हैं। क्या है
क्योंकि जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं ना तो दुख नहीं होता, वो रियल पैसे जैसा लगता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कट गया और चला गया, दुख नहीं होता। बट जब हाथ में से पैसा जाता है ना, वो मेड्स को, गर्ल्स फीमेल्स की बात करें, वो मेड्स को जो थोड़े से भी पैसे एक्स्ट्रा देती है ना, तो वो दुखता है। और भाई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग अगर मिंत्रा से या कहीं से करनी है तो डेफिनेटली हम फटाफट से आराम से शॉपिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं दुखता। दिस हैपेंस बिकॉज हमारा दिमाग फिर से हमें यही चीज दिखाता है, जो चीज सामने दिखती है हम तब ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। तो जब भी कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसको आंखों के सामने देखिए, उसकी एक विजन बनाइए, उसकी एक पिक्चर बनाइए, कॉन्क्रीट पिक्चर बनाइए और समझिए कि ये जो डिसीजन हम लेने वाले हैं इसका फाइनली इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। जब वो चीज सामने दिखेगी तब ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे। कैटेगराइज, लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर की फिगर्स हैं, सेम चीजें हैं, लेकिन जब लेफ्ट में देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और वही चीज जब प्रॉपरली कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गई है तो हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। वापस से एक सुपरमार्केट की बात करें तो एक सुपरमार्केट में 600 तरह की किताबें हैं, और उन 600 तरह की किताबों में से उन्होंने उस 600 तरह की किताबों को 20 कैटेगरी में डिवाइड, 10 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब उसी के पास में एक और बुक स्टोर है, उसके पास 400 ही किताबें हैं, लेकिन उसने उन 400 किताबों को 25 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। इस पिक्चर को देख के क्या लगता है कि हम लेफ्ट वाले में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या हम राइट वाले में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? लेफ्ट और राइट, हमें कैटेगरीज जब ज्यादा होती है, हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से हार्डवायर्ड है कि जब ज्यादा कैटेगरीज होती हैं तो हम ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, और जब बहुत सारा मैस होता है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सो इसलिए आगे से जो बिजनेस में है वो भी इस तरह से कैटेगराइज कीजिए अपनी चीजों को कि लोग उस चीज को आराम से खरीद पाए। जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, हम सब यूज करते होंगे आई एम श्योर, तो कई सारे जो एप्स होते हैं, कई सारी जो जगह है, हमको वो यूज करना ज्यादा आसान लगता है, और कई सारे ऐसे हैं जिनको हमको यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और भी एंड अब हमें लगता है कि नहीं हम यूज ही क्यों कर रहे हैं। जहां पे ज्यादा क्लियरली कैटेगरीज मेंशनड होती हैं, वहां पे हमें शॉपिंग करना आसान लगता है। मेक माई ट्रिप की अगर बात करें, जो कि अगेन एक इंडियन कंपनी है, मेक माई ट्रिप हमें कितने सारे ऑप्शन देती है। सबसे पहला आपके पास, आपको कहाँ जाना है, उसके बाद क्या डिसाइड करना है, किस एरिया में जाना है, उसके बाद आपको 5-star चाहिए, 4-star चाहिए, 3-star चाहिए, 2-star चाहिए, इस तरह से उन्होंने कैटेगरीज बना रखी है, उसके बाद किस तरह की रेंज में आपको जाना है, फाइनली हम आराम से एक होटल अपने लिए पिक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैटेगराइजेशन इतना अच्छा किया होता है। ओयो में नहीं समझ आता, ओयो में क्या कहते हैं, प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ हाई टू लो, क्योंकि सब एक जैसा है, और अल्टीमेटली होता क्या है, ओयो के होटल्स कैसे भी निकल सकते हैं, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक अगर हायर मिडिल क्लास की बात करें तो वो डेफिनेटली हम गो आईबीबो या मेक माई ट्रिप को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ओयो। रीजन भी कैटेगराइजेशन, हो सकता है वो सेम होटल ओयो में भी हमें मिल रहा हो, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो से हमारी बुकिंग करें। रीजन, क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है, ज्यादा कैटेगरीज हम झेल सकते हैं, ज्यादा चॉइसेस हम झेल नहीं पाते हैं। सो स्विंग और जैज, फटाफट से अपने चैट बॉक्सेस में बताइए, यहाँ पे दो नेकलेसेस दिख रहे हैं, कौन सा आपको लगता है स्विंग है? और अच्छा, लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट क्या उसका नाम स्विंग होगा या उसका नाम जैज होगा? लेफ्ट वाला जो पेंडेंट है उसका नाम स्विंग होगा या जैज होगा? इसका नाम जैज होगा। ओके ओके, लेफ्ट वाला स्विंग होगा, जैज होगा, स्विंग होगा, कुछ लोग कह रहे हैं स्विंग होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जैज होगा।
Honestly speaking, Tiffany एक कंपनी है जो ये necklaces बनाया करती है, नेट अब्रॉड में बहुत ज्यादा फेमस है, एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस कैटेगराइजेशन से कोई फायदा नहीं है. अगर ये लेफ्ट वाला स्विंग हो या जैज हो, अगर मुझे उसका डिजाइन पसंद आ रहा है तो मैं उसको ले ही लूंगी. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि कौन सा स्विंग है और कौन सा जैज है. वैसे सही बात बता दूं आपको कि लेफ्ट वाला जैज है और राइट वाला स्विंग है. किस बेसिस पे उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है वो सिर्फ वो ही जाने. हमें एज बिजनेसमैन, एज बिजनेस वुमेन, एज एंटरप्रेन्योर्स क्या करना है? कैटेगराइजेशन करना है अपनी कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के, ना कि क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा मन किया मैं इसको जैज बोलूंगा और इसको स्विंग बोलूंगा. ऐसे काम नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जिसे कहा जाता है, जो उनको समझ आएगा उस हिसाब से हम काम करें. एंड द फाइनल वन, कंडीशन योर माइंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी. हमने जब बचपन में पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तो नर्सरी में हमें एबीसी पढ़ाई गई थी. उसके बाद जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, एबीसी से हम छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर आए, उसके बाद हम सेंटेंसेस के ऊपर आए, हमें ग्रामर सिखाई गई और फिर हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के ऊपर आए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर आए. अब डे वन हमें नर्सरी में ही कह दिया जाता कि कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी नाम की एक चीज है, आप इसको समझाओ. आपको लगता है हम ये चीज कर पाते? धीरे 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 हमें जब ऑप्शंस भी देने हैं अपने कस्टमर्स को तो किस तरह से दें, हम कम चॉइसेस को प्रोसेस कर पाएंगे. फिर वो चॉइसेस अगर धीरे धीरे बढ़ाते भी जाएंगे तो उसको समझ आती जाएगी. छोटा सा एग्जाम्पल एंड फाइनल एग्जाम्पल, आई गेस हम वी आर रनिंग ऑलमोस्ट ऑन टाइम. सो एक जर्मन कंपनी है, वो आपको ऑप्शन देती है कि एक जो कार है वो आप 100% कस्टम मेड, मतलब जैसी आप चाहेंगे वैसी वो कार बना के देंगे. और आपको उसके लिए 60 decisions लेने होते हैं, 60 बातों पे आपको उनको बताना होता है कि आपको कैसे वो कार बनानी है. और 56 तो सिर्फ वो आउटर बॉडी के कलर्स के ऑप्शंस है उनके पास. वहां पे स्टडी की गई, दो तरह के लोगों को बात बताई गई कि एक लोगों को बोला गया सबसे पहले बताइए ये 56 कलर्स में से आप कौन सा कलर चूज करेंगे. फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको सीट कवर्स कौन से चाहिए, वो सीट कवर्स में अगेन 50 तरह के ऑप्शंस थे. धीरे धीरे होता क्या चला गया, जब वो वाला बैच की स्टडी की गई तो पता लगा कि अल्टीमेटली वो 60 में से 15-20 तक आते आते उनका मन इतना भर गया कि फिर वो सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस पे टिक करने लग गए. हम क्या कर रहे हैं उस टाइम? हमारे कस्टमर को लूज कर रहे हैं. राधा हमें क्या करना था, हमें उनको पहले कम वाली चॉइसेस, हम गियर शिफ्ट की बात करें तो हमें 4 ऑप्शंस हैं कि ऑटोमेटिक चाहिए या कौन सा चाहिए, पहले 4 बताए. फिर उसके बाद जहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन थे हम वहां ले गए. फिर धीरे 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 करके हमने उनको समझाया तो फाइनली जब उसको 50 कलर्स में से भी सेलेक्ट करना है ना, तब भी वो आपके साथ रहने वाला है. तो हमारे दिमाग को कंडीशन कीजिए. हम बहुत कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एक 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 करके बात बताई जाए. अगर मैं पहले ही बता देती कि मैं आपको आज 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ और शुरुआत में ही कि ये 8 पॉइंट्स हैं, तो शायद समझ आना मुश्किल हो सकता था. लेकिन धीरे धीरे एक एक करके हम बात करते गए और मुझे नहीं पता कितना समझ आया नहीं आया, लेकिन मुझे मेरी तरफ से लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दिमाग के अंदर गया होगा. सो दिस इज हाउ वी शुड कंडीशन आवर माइंड. सो 4 थिंग्स, कट एक्सट्रेनियस ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स किसी को नहीं चाहिए. कॉन्क्रिटाइज, मेक इट रियल, आंखों के सामने इमेजिन कीजिए और फिर काम कीजिए. कैटेगरीज बनाइए, हम ज्यादा कैटेगरीज हैंडल कर सकते हैं. चॉइसेस हमारे को कम चाहिए और अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कंडीशन कीजिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. मैं सबके नाम नहीं जानती, लेकिन जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मुझसे आज मेरे साथ आज जुड़े हुए थे, उन सबको हृदय के गहन तल से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया. धन्यवाद. ओवर टू राकेश जी.
धन्यवाद कनिका, बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन को लिया, बहुत सरल शब्दों में आपने लिया, सभी को ये समझ में भी आया और लगातार चैट बॉक्स में जो एक्टिवनेस हमको देखने को मिल रहा था उससे समझ में आ रहा है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे पहले कि हम अपने प्रश्नोत्तरी चालू करें, लोगों के प्रश्नों की जिज्ञासा उनके प्रश्न को लें, उसके पहले मैं हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती अमिता मुंद्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्णा भाभी, हम आपका आशीर्वचन चाहेंगे। बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। हाँ, हम आपका आशीर्वचन चाहेंगे। रुपेश जी मंत्री, अरुण जी डागा और आपकी पूरी टीम, और अगर मेरा जानकारी गलत नहीं है कि अखिल भारतीय युवा महेश्वरी संगठन के 602 मेंबर हैं, ऐसी मेरी जानकारी है ना? अगर सही है तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने लॉकडाउन को भी मैं कमाल कर दिया। एक लॉकडाउन की बधाई और दूसरा अक्षय तृतीया की बधाई। और सबसे पहले जो आज कनिका जी ने एक बात कही वही मैं कहना चाहती हूँ कि आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूत में क्या हुआ उसका हमें पता नहीं है और भविष्य में मालूम नहीं क्या होगा। भविष्य और भूत दोनों आपको जब वर्तमान में लाएंगे तभी हम अपने आप को सामने दिखा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप लोग को साधुवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह लॉकडाउन में खाली समय में आप लोगों ने उपयोग किया, क्योंकि आने वाला समय के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी अब पहले जैसी सामान्य रहने वाली नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा, भगवान इस दीवार में कैसा वाक्य लिख दीजिए जिसको देख के मैं दुखी रहूं तो खुश हो जाऊं और खुशी में रहूं तो दुखी हो जाऊं। तो भगवान ने यही लिखा कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा समय का उपयोग किया और कनिका जी की वाणी को मैंने पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जो चीजें बताई हमारी लाइफ में भी, हमारे महिलाओं की लाइफ में भी वो सब चीजें मायने रखती है। यदि हम उस पर सर्च करेंगे और उस पर विचार करेंगे तो हम अपने परिवार को भी एक नई दिशा जरूर दे पाएंगे। और आजकल की जनरेशन, आजकल की बहू और बेटी बिजनेस से जुड़े, जैसे कि अजय जी राठी जी ने कहा, मैंने उनका भी सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम लॉकडाउन के ऐसे समय में किया कि सब इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं और समय की उपयोगिता और समय का नारा यहाँ पे जय उमा महेश। अक्षय तृतीया की फिर पुनः आप सबको बधाई, आपका ये प्रयास जो है अक्षय हो जाए और पूरे भारत में फैले, ऐसा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, जय महेश। धन्यवाद अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ भाटापारा से जुड़ी है प्रादेशिक महिला संगठन की श्रीमती सीमा मल जी, कि आप आए और मैं अपने युवा संगठन को अपने आशीर्वचन का लाभ देने। मैं चिंता ना भय, बोलिए भगवान महेश की जय। जय श्री कृष्णा। आज अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया में लोग कहते हैं कि सोना खरीद के लाइए। आज तो प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के द्वारा ऐसे अमूल्य नगीने आए हैं स्पीकर के रूप में कि उसके सामने खरा सोना भी फीका पड़ता दिखाई दे रहा है, और इसका पूरा फायदा आज की युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से ले रही है, शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कटोर दान में रखी रोटियां बासी नहीं होती और मुस्कुराते चेहरे पे कभी उदासी नहीं होती, और जिनका लक्ष्य सही है और ऐसी ऊर्जावान टीम उन जिनके साथ है उनको नाकामयाबी कभी हासिल नहीं होती। और ऐसे स्पीकर ढूंढ ढूंढ के लाए हैं हमारे भाई, युवा भाई। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि रखो हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना, क्योंकि आप इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों से मुझे जो सम्मान मिला और वो मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सीमा जी। मैं अभी रामोदर जी बजाज है क्या, मनीष जी हमारे साथ? मनीष नहीं ज्वाइन हुए भैया, नहीं ज्वाइन हुए हैं। सतीश भैया, डॉक्टर सतीश जी राठी वो भी नहीं आए भैया, नहीं आए हैं क्या? ओके। मैं विजय भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ पूरी प्लानिंग में लगातार साथ में थे, इसको डिजाइन करने में। विजय भैया, आज के कार्यक्रम को लेकर आपका व्यू चाहूंगा, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी में चलेंगे। राकेश भैया, हाँ, आशा जी डोडिया जी हैं अपने साथ, आशा भाभी जी भी आ गई है। आशा भाभी है क्या? ठीक है, हम विजय भैया के बाद आशा भाभी को लेते हैं। बिल्कुल
जी विजय भैया, मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है भैया? जी जी हाँ अब आ रही है, परफेक्ट परफेक्ट। कनिका जी, हम सभी जैसा कि आपने बोला 35,000 डिसीजन हम लोग रोज लेते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को क्या मालूम क्यों ऐसा लगता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सी जगह पे हम लोग जब अटक जाते हैं तो, और जो आपने जो चार माध्यम बताए हमारे को डिसीजन लेने के, निश्चित रूप से वो अब हमारे जो अटकाव आते हैं डिसीजन लेने के समय में, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को और फास्ट और सही लेने में हमारे सहायक होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज के शानदार सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे प्रदेश की टीम की तरफ से और हम सभी की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद दीजिए भी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष श्री आशा भाभी नोडिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। भाभी, आपका आशीर्वचन चाहूंगा, आपको कैसा लगा कार्यक्रम इस बारे में आप? जय गणेश, जय महेश, राकेश भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में आप सबने, युवा संगठन के साथियों ने इतने सुंदर आयोजन की संरचना की, इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और जैसे कि कनिका जी ने कहा कि हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, साड़ियों का एग्जाम्पल दिया, और मकान में हैंडल कैसे लगते हैं डोर में उसका एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही यदि थोड़े से ऑप्शन हमारे सामने हो तो हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, और व्यापारी भी जो है ना कस्टमर को अच्छे से ऑप्शन कम होने से अच्छे से पटा सकते हैं और फटाफट सारा कार्य हो सकता है। मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता है, पर कुल मिलाकर के युवा संगठन ने जो इतनी सुंदर संरचना की, और हमारे बीच में एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर को लेकर आए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिला, और प्रतिदिन मैं इस क्लास को अटेंड करती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, कारण कि जगह जगह पुलिस द्वारा शहर में बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, उनके सैनिकों की भी हम छोटे से सेवा देते हैं, कभी ठंडाई पिलाते हैं, कभी कुछ इस तरह सेवा में लगे रहते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे कि हमारे सीमा जी ने कहा था, हेलो जी भाभी बोलिए, कंटिन्यू। हेलो हेलो, सीमा भाभी ने और हमारी अमिता जी ने, दोनों ने जो बातें कहनी थी वो मेरे मन की बात उन्होंने छीन ली, बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद आशा भाभी, आपने हमारा इतना हौसला अफजाई किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार ये युवा संघ का प्रयास रहता है कि हमेशा एक अच्छे अच्छे स्पीकर और ट्रेनर्स को हम प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने युवा साथियों का और पूरे प्रदेश का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। मैं निवेदन करूंगा प्रश्न आंसर लेने, क्वेश्चन आंसर लेने के पहले हमारे महामंत्री अरुण जी डागा को आप आए और विधिवत प्रदेश संगठन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें, उसके पश्चात हम सीधा प्रश्नोत्तरी पे चलेंगे। जय महेश साथियों, सबसे पहले तो प्रदेश युवा संगठन की तरफ से आप सभी को आज के अक्षय तृतीया के दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे बीच कोचिंग की नगरी से एक कोटा डायनेमिक, जेसीआई कोटा डायनेमिक की पास्ट प्रेसिडेंट और वाकई में डायनेमिक, आज उनको सुन के ऐसा लगा कि एक डायनेमिक सीए हमारे साथ थी, एक स्पीकर हमारे साथ थी। तो कनिका जी, आपका प्रदेश युवा संगठन की तरफ से आभार कि आपने अपना समय हमको दिया और बहुत सी सारी ऐसी बातें बताई कि वाकई में आज अक्षय तृतीया के दिन ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बाद हम सभी महेश्वरी भाई नोटों से भरे बैग अपने घर में जरूर लाएंगे, कुछ चीजें आपकी जो है उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके। साथ ही अजय भैया, आपका भी धन्यवाद, हमारे स्पॉन्सर भी आप है और हमारे मार्गदर्शक भी आप हमेशा से रहे। शरद भैया भी ज्वाइन थे, शरद भैया, शरद जी सोनी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका भी आभार, आपने अपना समय हमें दिया और आज पूरा एक घंटा आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आशा भाभी जी, सीमा चाची जी, अमिता चाची जी, आप सबका भी आभार, आप सबने अपना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा जैसा हम बिजनेस की पाठशाला में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप सबका, सभी पार्टिसिपेंट्स का उत्साह और बढ़ता जा रहा है, इसे दो दिन और बनाए रखिएगा। आप सबको बताना चाहता हूँ कि परसों हमारे बीच एक बहुत जानी मानी हस्ती, हमारे महेश्वरी समाज का गौरव, बहुत बड़े उद्योगपति श्री कमल जी सारडा साहब हमारे बीच उपस्थित होंगे,
तो आप सभी से अनुरोध है कि जैसा आपने 5 दिन हमारा साथ दिया, 2 दिन और साथ दीजिए, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफल बनाए। जय महेश। धन्यवाद अरुण भैया, लगातार ये कार्यक्रम अपने आज 5वें दिन के पड़ाव पर था, बहुत शानदार रहा। आने वाले 2 दिनों में कल हमारे बीच एक नए ट्रेनर के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे ब्रिज सारडा जी, एक नए सब्जेक्ट के साथ रहेंगे आपके पास। प्रदेश युवा संगठन का ये प्रयास है कि हर दिन आप अच्छे अच्छे ट्रेनर से हम आपके लिए फायदा पहुंचाएं। अब जो जो साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने हैंड रेस करें, हम सीधा प्रश्न आपका प्रश्न कनिका जी से कनेक्ट करेंगे और उनका जवाब वो दे देंगे। जो जो साथी है अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो भी साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेस करें। निधि टवानी जी एक प्रश्न रखना चाह रही है अपना, आप एनालिस्ट में निधि जी बोलिए। भैया बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। निखिल तापड़िया जी नया पारा राजिम से हैं, इनको अनम्यूट करेंगे। मनीष निखिल तापड़िया जी नया पारा राजिम से। निखिल जी अपना प्रश्न रखिए। कम पूंजी में अपन व्यवसाय कैसे अपन बढ़ा सकते हैं? क्या बोला आपने प्रश्न एक बार पुनः बोले। पूंजी कम हो और समय भी साधन भी कम हो उसमें अपन व्यवसाय को कैसे अधिक बढ़ा सकते। कनिका जी। हाँ जी, तब मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरे सेशन के बीच में ही कि एक केंट आरो की जब मैंने बात की थी तो उन्होंने 20,000 रुपए से अपना व्यवसाय शुरू किया था और आज कहाँ वो पहुंच गए हैं। और ऐसे हमारे पास शायद हजारों एग्जांपल्स हैं। निर्मा की अगर बात करें तो निर्मा जब उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था तो 3 रुपए किलो में वो निर्मा बेचा करते थे और डोर टू डोर जाके घर घर जाके वो अपना सामान बेचा करते थे, जब उस समय पे 13 रुपए में नॉर्मली वॉशिंग पाउडर आया करता था। पैसा कम होना या ज्यादा होना मुझे नहीं लगता कि कभी भी चुनौती हो सकती है। अगर हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए, अगर हम इन चारों चीजों को ध्यान में रखें, निर्मा की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी रही है कि अगर इन चारों चीजों के ऊपर हम ध्यान दें तो हमारा बिजनेस दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ोतरी कर सकता है। So, हर बिजनेस का एक अपना तरीका होता है बढ़ने का। हमें अगर लगता है कि हमारा बिजनेस स्टैग्नेंट है, इससे ज्यादा हम और आगे नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम किसी और बिजनेस में जाए जहां पे हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ओयो का ही अगर एग्जांपल ले, या आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे अपने आमने सामने भी कि स्टार्टअप की अगर बात करें तो ओला आपने देखा, ओला के पास एक भी खुद की कार नहीं है जब उन्होंने शुरुआत की थी और आज तक भी उनके पास खुद की कोई कार नहीं है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अर्न कर पाए। तो आजकल तो दुनिया में आइडियाज बिकते हैं, आजकल वो पहले का जमाना गया कि पैसे से पैसा बनता है, आजकल आइडिये से पैसा बनता है। तो छोटी पूंजी भी है और अगर सही जगह लगा पाए हैं, सही आइडिया के साथ लगा पाए हैं, तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे बीच में वैभव टावरी जी हैं। वैभव टावरी जी आप अपना प्रश्न रखें। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। अनिका जी मेरा सवाल ये है, अगर घर की महिला का इंटरेस्ट दूसरे काम में है और मेरा मन यह है कि मेरे व्यवसाय में वो मुझको ज्वाइन करे क्योंकि तो मेरे पास स्कोप बहुत सारा है, तो उसका ज्वाइन कैसे कराऊं? ये तो कहानी घर घर की हो गई है एक तरह से। बड़ा मुश्किल है महिलाओं को समझा पाना एंड ऑन दी अदर हैंड अपने काउंटर पार्ट्स को समझा पाना। आप एक बात मुझे ये बताइए, आपने कब उनसे आखिरी बार बैठ के अपना पूरा विजन डिस्कस किया था? आपने कब उनको बताया था कि मैं आपके लिए ये चाहता हूँ और आपके पास आपके मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी? कब कब किया था आखिरी बार?
पहली बार किया था शादी के 10 दिन बाद, और अभी कुछ दिन पहले और बात किया था, लगभग एक हफ्ता पहले। ओके, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? मैम उनका बोलना यही है कि मेरा मूड किसी और काम का है। ओके, तो देखिए एक बात मैं आपको, अगर पर्सनल लेवल पर्सनल मेरी बात करें तो अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अगर वो करेंगे भी तो भी आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड का भी 2-3 बिजनेसेस हैं, जिस बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट आता है मैं वहां उनकी हेल्प करती हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं मेरे लायक नहीं मैं नहीं करती हूँ। तो कभी भी किसी से जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते, ये तो हमें डेफिनेटली समझना ही चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड, आप एक बार उनसे बात कर रहे हैं तो आप उनको ये मानिए कि वो आपकी कस्टमर है। हम कस्टमर को किस लेवल तक जाके कन्विंस करते हैं? हम जहां तक, अगर हमें कोई डील है वो हमें चाहिए ही चाहिए तो हम सारे, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगा देते हैं एंड वी एंश्योर कि वो हमें बिजनेस डील मिल ही जाए। तो बीवी को भी कस्टमर मान के काम कीजिए, जो उन्हें जिस भाषा में अच्छा लगता है उस भाषा में। आई होप वो सुन नहीं रही हूँ मेरी बात, अदरवाइज मेरे पास बाद में फोन आने वाला है। तो उनको उनकी भाषा में समझाइए, उनकी भाषा में। और डेफिनेटली देखिए, हम बाहर किसी को हायर करते हैं तो उनको कभी भी आपके पैसे का दर्द नहीं होगा। जो एक इंसान खुद का होता है, जो अपनी फैमिली का होता है उसको, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बीवी को सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो उनसे अच्छे से बैठ के बात कीजिए और उनको जो ज्यादा पसंद है पहले उस काम में इन्वॉल्व कीजिए। वही वाली बात वापस से आती हूँ, कंडीशन द माइंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, धीरे धीरे इन्वॉल्व कीजिए। एक दिन में बोलेंगे कि कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो और ऑफिस में आके बैठना और ये करना है, ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए एंड डेफिनेटली देखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे ज्यादा आपके बिजनेस में इन्वॉल्व, बट उनकी भाषा में बात कीजिए। थैंक यू भाई। हमारे बीच मोनिता बंग जी हैं, वो उनका कुछ एक प्रश्न है। मोनिता बंग, सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश। मेरा सवाल ये था कनिका जी से कि जैसे कनिका जी ने ये बताया कि गलत डिसीजन हमें कहीं भी फंसा सकता है, एक गलत डिसीजन हमारे पूरे बिजनेस आइडिया को चौपट कर देता है। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बराबर। तो एक जो अगर दो बातें हमारी लाइफ में होती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। हम जब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं यही सोचकर इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो चीज सही होगी, वो तो रिजल्ट हमको बाद में पता चलता है आने के बाद में कि ये हमारा डिसीजन गलत हो गया था या सही हुआ है। तो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, यानी जो कथनी और कहनी का जो फर्क है, वो अधिकांश ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, पहले हमको नहीं समझ में आता कि हमारा ये डिसीजन गलत है कि सही है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें सोचना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ चीज स्टेक पर है, अगर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारी मैन पावर इन्वॉल्व है, आप और वो डिसीजन मेक और ब्रेक वाली बात में वापस से कहना चाहूंगी कि वो डिसीजन या तो आपके बिजनेस को बना सकता है या खत्म कर सकता है, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही उस डिसीजन को लेना चाहिए। और कभी भी एक दिमाग पर भरोसा करके हम कोई डिसीजन नहीं लगे, अगर अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, आप शादी की बात करते हैं, जब आपकी शादी हुई थी, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात करती हूँ, मतलब आपकी घरेलू बात करती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी कि जब आपकी शादी हुई थी और अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो घर वालों ने बहुत सारे लड़के देखे होंगे और सिर्फ आपकी चॉइस के बेसिस पे शादी नहीं होगी, बहुत सारे लोग। ये मेरा फर्स्ट केस था मैडम। अच्छा, फर्स्ट केस था, ओके। लेकिन चलिए, वो कभी कभी हो जाता है, कई बार पहला ही तुक्का अच्छा लग जाता है, बट कई सारे केसेस में, मेजरली केसेस में यही होता है, अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स बहुत सारे लड़के देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं और उसके बाद फाइनली बहुत सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही फाइनली डिसीजन लिया जाता है। और सिर्फ लड़की की या लड़के की बात नहीं मानी जाती है, घर वालों की भी बातें सुनी जाती है। तो जब भी अगर लगता है कि समथिंग बिग इज एट स्टेक, अगर कोई बहुत ज्यादा चीज स्टेक पर लगी हुई है और हम सही डिसीजन नहीं
ले भी सकते हैं, ले नहीं भी ले सकते. हम भगवान तो है नहीं कि हमेशा हर चीज परफेक्ट करेंगे. और यस, फेल भी होंगे. मैं ऐसा नहीं कहती क्योंकि मैं एक बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे सेट पर अपने बच्चे हो तो अगर अपने बच्चों का फ्यूचर सेट पे हो, हजार बार सोचना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले. क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को लगता है महिला, एक महिला के लिए उनके बच्चे, उनकी फैमिली से ज्यादा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है. हम कितने ही बड़े बिजनेस वुमेन हो जाएं, हमारे लिए अपनी फैमिली से ज्यादा कभी भी कुछ बड़ा नहीं. तो इसलिए अगर हमें नहीं समझ आ रहा, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, ऐसे लोगों की राय लीजिए जिनसे आप, आपको लगता है कि हाँ इनके डिसीजन शायद सही हो. एंड आजकल हर फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स आपको डेफिनेटली मिल पाएंगे. कंसल्टेंट्स का जॉब ही इसलिए आजकल चल रहा है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि अपने पैसे इधर उधर फंसा दे, या अपने बच्चों के केस में तो डेफिनेटली हम कभी भी नहीं करते. थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही डिसीजन लें, तभी सही जगह पहुंच पाएंगे. और फिर भी अगर लगता है गलत फंस गए हैं तो वो संक कॉस्ट फैलेसी मैंने आपको बताई थी कि बीती को बिसार दे आगे की सुध दे, यही किया जा सकता है. बहुत बढ़िया. एक हमारे महामंत्री जी की वाइफ डॉक्टर डागा आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं. अरुण हेलो, खुद कर लो अपने आप को. सादर जय महेश, जय श्री कृष्णा. मैम मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे कोचिंग फील्ड में कैरियर बनाना है, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे ई क्लासरूम्स या ऑनलाइन जो होते हैं क्लासेस उससे स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर जैसा अपना चलता आ रहा है ट्रेडिशनल उससे स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए आगे आने वाला जो अभी समय है वो मुझे नहीं लगता कि क्लासरूम कोचिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा वायबल हो पाएगा. अगर मैं जैसे उन्होंने बताया कि मैं कोचिंग नगरी कोटा से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ हर साल 2 लाख बच्चे बाहर से कोचिंग्स लेने के लिए आते हैं, मेडिकल की और IIT की सबकी कोचिंग. लेकिन सारी जितनी भी कोचिंग, बड़ी कोचिंग्स हैं, उन सब ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं. सो आगे आने वाला कम से कम 1 साल तो हमें लगता है कि वापस से इकोनॉमी नॉर्मल होने में लग जाएगा. तो और वैसे भी ऑनलाइन मार्केट अगर हम देखें तो डेफिनेटली ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप अपनी क्लास अपलोड करके यूट्यूब पे डाल दें, और अगर वो कहते हैं अगर कोई चीज हिट कर गई, क्लिक कर गई, तो 1 मिनट में आपका बिजनेस बहुत आगे तक जा सकता है. तो लोग, जो लोग ट्रेडिशनल वेज भी अपना रहे थे, वो भी चाह रहे हैं कि हम लोग ई लर्निंग्स पे और इन सब पे जाए. स्कूल्स ने भी, कई सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं हमारे यहाँ पे, एंड आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी कर दोगे. तो अभी अगर माहौल देखा जाए तो डेफिनेटली ई क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर ऑप्शन है. एंड वंस आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको स्टूडेंट्स आगे भी मिलते चले जाएंगे, फिर आप क्लासरूम कोचिंग पे भी जा सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम. हमारे बीच एक प्रश्न है अजय जी राठी का. अजय भैया, कनिका जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपनी खुद की सर्च, अपने इंडिया को या वर्ल्ड वाइज जो आप देख रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि एक अच्छे एंटरप्रेनर के रूप में हमारी गर्ल्स या लेडीज़ बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, डेफिनेटली. और हम लोग तो काफी टाइम से, मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. हमें सिर्फ एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, हमने बेटियों को पढ़ा तो दिया है लेकिन शायद बेटों को वो एक्सेप्ट करना अभी थोड़ा सा समय लगेगा कि हाँ वो आपकी बराबरी पे काम कर सकती हैं. जॉब की भी बात करूं, मैंने खुद ने मल्टीनेशनल में जॉब किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी फीमेल्स की बार्गेनिंग पावर कम होती है. हमें लगता है कि ठीक है जो मिल गया आपको हो गया. अगर मैं कहीं जॉब करने जाऊंगी तो मैं 50,000 मांगूंगी, और मेरे हस्बैंड जाएंगे तो वो 60,000 मांगेंगे, एंड चाहे मेरी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 60 की जगह 70 भी होगी, तब भी मुझे लगेगा हाँ ठीक है 50 में ही काम चल जाएगा. क्योंकि जो सामने बैठा है उसकी भी वही मेंटेलिटी है कि शायद फीमेल्स उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है. लेकिन ट्रस्ट मी, ज्यादा अग्रीएबल होती हैं, ज्यादा एडजस्टेबल होती हैं, और ज्यादा चीजें सोच के काम कर पाती हैं. मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारी चीजों को एक साथ सोच के काम कर पाती हैं. तो बहुत अच्छे बिजनेस डिसीजंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद बहुत सारी कंपनीज की, बहुत सारी जगह की कंसल्टेंट हूँ, और वो लोग शायद इसीलिए हायर करते हैं कि लगता है कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको भी कंसिडर कर लिया जाएगा विद फीमेल. सो आई वुड डेफिनेटली से कि फीमेल्स
शायद जैसे आपने ही शायद कहा था कि आगे आने वाला महिला प्रधान हो जाने वाला है, तो देयर इज मतलब कोई सेकंड थॉट्स नहीं है. हो सकता है कि कभी अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे हमारे यहाँ पे भी महिलाओं को, तो वो मैं बस आपसे प्रैक्टिकल मुहर लगवाना चाह रहा था अपनी बात पे. 100% मैं तो अगर खुद की बात करूँ तो मेरे रियल एस्टेट मतलब बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि आप बिल्डर्स डेवलपर्स में आप क्या करते हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपका तो ऑफिस में बैठ के रहने वाला काम है. बट जब मैं बता रही हूँ मेरे घर बिल्डिंग जिसमें अभी मैं बैठी हुई हूँ बन रही थी, तो मेरे हस्बैंड के साथ सुबह से मैं भी आ जाया करती थी और शाम तक यहीं रुका करती. तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स कहीं पे भी कम है, डेफिनेटली सब काम कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे. बहुत बढ़िया कनिका जी, बहुत शानदार चल रहा है. प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है अभी हमारे बीच. हमारे प्रदेश सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए आदरणीय मोहन भैया आपसे प्रश्न रखना चाह रहे हैं जी. मोहन भी अनम्यूट करेंगे. मनीष मोहनलाल जी राठी साहब को अनम्यूट करेंगे जी. भैया प्रश्न रखेंगे. आवाज नहीं आ रही भैया आपकी. हेलो आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है. आ रही ना जी. चलो सबसे पहले तो युवा संगठन को, जैसे मैं 3-4 दिन से पूरे आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ, उसको विशेष धन्यवाद देते हुए कनिका जी को सुनना बहुत अच्छा लगा. और जैसा आपने मन एम्पावरमेंट की बात करी और एक रियल जीता जागता एग्जाम्पल आज हमको देखने मिला, उसके लिए पहले तो कनिका जी का बहुत बहुत आभार कि जो आपने हमारे छत्तीसगढ़ प्रादेशिक युवा संगठन के लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया. आपने रियली बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जिससे बहुत कुछ लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छा नए बातें सीखने का मौका मिला. इसके लिए भी आपका विशेष धन्यवाद. मेरा प्रश्न, मैं सीधे प्रश्न पे आ रहा हूँ कि अभी COVID-19 के से बहुत सारे लोग आशंकित है कि उनके बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा आपके हर बात में एक विशेष मैच्योरिटी झलक रही थी और बहुत सुंदर तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे थे. और आपने जैसा कि बताया कि आप बहुत सारे फर्मों के या बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के कंसल्टेंट भी है, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि ड्यूरिंग COVID-19 और इसके बाद का जो सिनारियो बनेगा, हम तो नहीं जानते कि अभी एक पता नहीं कितने दिन कैसे क्या रहेगा, लेकिन बिजनेस का सिनारियो क्या होगा, ये आपके विचार से ये इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे और सब लोगों को थोड़ा बताएंगे कि भी आगे कैसे क्या बिजनेस होगा. सो अगर हम बात करें तो जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से ही बिजनेसेस पहले से थोड़े से बैक फुट पर आ ही गए थे. मतलब तब से ही हम कहते हैं कि जो एक इकोनॉमी बूस्ट हो रखी थी वो शायद हम थोड़ा सा बैकफुट, कई सारे बिजनेसेस हैं जो उसकी वजह से हिट हुए थे. और हम अगर इंडियन माइंडसेट की बात करें तो हम लोग थोड़ा डर ज्यादा जाते हैं और हम लोग थोड़े प्रोटेक्टिव टाइप के ज्यादा होते हैं कि अपना पैसा बचा के चलो, क्या पता कल को क्या हो जाए. तो ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो आने वाले 6 महीने बिजनेस के लिए थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी गुड्स वाले जो बिजनेस हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ कल से जाके मैं चलो जाके मैं बड़ा सा टीवी लेके आ जाती हूँ या मैं जाके एसी खरीद लेती हूँ. लोगों के पास जो है उसमें ही काम, बिकॉज अब ऑलमोस्ट हमारे को 1.25 महीना हो गया कि जो है उसमें ही हम लोग संतोष करके जी रहे हैं. तो आगे आने वाले कुछ समय के लिए यस इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी कम हो गई है. मिडिल क्लास अगर बात करें, लोअर मिडिल क्लास के पास तो उनके लिए तो इनकम के सोर्सेस ही एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गए. हायर मिडिल क्लास भी अभी इस समय पे बहुत सारी चीजें सोच समझ के आगे काम करना चाहेगा.
जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको आगे संभाल के चलना है, उनको अपनी परचेजेस देखनी है, उनको अपनी सेल्स देखनी है. बट हाँ, दिवाली तक बहुत भारी दिल से कह रही हूँ, लेकिन हाँ दिवाली तक बिजनेस के लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफिकल्ट होगा. लेकिन कई सारे फील्ड्स हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसपे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है. जैसे कि जो रोजमर्रा की चीजों की बात करें, जो एसेंशियल कमोडिटीज जो बना रहे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन में है या जो रिटेलिंग में है, उनको डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट यस, लग्जरी गुड्स में जो लोग डील कर रहे हैं उनके लिए दिवाली तक का ही समय मान के चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है. लेकिन सर, एक बात दूसरी बात तरफ से अगर मैं कहने जाऊँ, बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, हम सब इसमें साथ हैं, हम सब के लिए एक जैसा ही है. सो ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए कुछ बुरा है या मेरे लिए ही कुछ बुरा है, हम सब एक साथ हैं. और डेफिनेटली बिकॉज हम लोगों के पास अपनी सेविंग्स है, हम लोगों का जो इंडियंस का माइंड सेट है, हम डेफिनेटली बहुत जल्दी इस सब से उबर पाएंगे. बहुत सारी चीजें डिफिकल्टीज को भी अपॉर्चुनिटीज में बदल देती है. तो अभी के डिफिकल्टीज में जैसा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों के शॉर्टेज है मार्केट में, जैसे सैनिटाइजर है या इवन ना आप अगर लेजर टेम्परेचर मीटर, ये सब चीजें अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो हमारे युवा साथियों के लिए आपका क्या संदेश होगा कि ऐसे चीजों के लिए एक्सप्लोर करके मार्केट को और ऐसे चीजों को अपॉर्चुनिटी में बदल. डेफिनेटली सर, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह हो सकती हैं. ट्रेनिंग्स की अगर बात करें तो ऐसे नहीं है कि ट्रेनर्स पहले नहीं हुआ करते थे, ट्रेनर्स तो हमेशा से थे. लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, किसी के दिमाग में आइडिया आया, चलो जूम मीटिंग्स के थ्रू ट्रेनिंग्स लिया करते हैं. और आपको विश्वास नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ JCI जैसे जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, हर दिन में 50-50, 30-30, 40-40 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं. अभी चाहे लोग फ्री में कर रहे हैं, बट धीरे धीरे अगर लगता है कि ये लॉकडाउन बढ़ गया या इस तरह की सिचुएशन हुई, तो डेफिनेटली लोग इसके लिए चार्ज भी करने लगेंगे और डेफिनेटली लोग इसके लिए पे भी करेंगे. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से ढूंढते हैं. एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सैनिटाइजर्स, लोग ऑलरेडी लोगों को पता लग गया था कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है. दिल्ली के एक समय ये हुआ था कि दिल्ली की किसी शॉप पे सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था. लोगों ने स्टॉक नहीं किया था, नॉर्मल पब्लिक ने नहीं स्टॉक किया था, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन लोगों को क्योंकि पहले पता लग गया था, उन्होंने स्टॉक करके रख लिया एंड दे मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. और कुछ नहीं तो मास्क जो हो रहे हैं, लोग उसमें डीलिंग करने लगे हैं. कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी ज्यादा चल रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. इंसान को देखने वाला, वो कहते हैं नजरिया चाहिए, बस सिर्फ नजरिया अगर सही है तो हर जगह से हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं. और क्योंकि अब हमारे पास समय भी बहुत है, हमेशा हमारे पास पहले ये बहाना हुआ करता था, हम अपने ही बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे. क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम अपनी टीम के कामों में इतने उलझे रहा करते. तो जो अपना ही बिजनेस है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अगर उसके बारे में ही सोचेंगे तो शायद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है डेफिनेटली हम उसमें ही अच्छा करेंगे. थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी. आज लगभग आपने सभी प्रश्नों का आज बहुत ही शानदार तरीके से आपने पूरा सॉल्व किया. आज हम समय से भी काफी विलंब चल रहे हैं, लगभग 7 भैया एक क्वेश्चन से एक लास्ट क्वेश्चन जो जो कनिका जी की फील्ड आपकी फील्ड और मेरी फील्ड तीनों से जुड़ा हुआ है. कनिका जी, रियल एस्टेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, आगे क्या होगा? सर, रियल एस्टेट में अभी तो बहुत मुश्किल है. मतलब आगे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो लोग अभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से डरेंगे. और सिर्फ जिनके पास स्पेयर पैसा है वो डेफिनेटली उनको नहीं फर्क पड़ने वाला है. लेकिन जो आम आदमी है, जिस जो अपनी जरूरत के लिए मकान खरीदना चाहता था, वो अभी इस चीज में पैसा लगाने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से भी होते हैं तो उनमें क्या लगता है आपको कि उसमें भी ये सब परेशानियां आएंगी? सर इनिशियल, अभी मैं वही बोल रही हूँ, हम एज ह्यूमन बीइंग्स थोड़े से इरेशनल भी होते हैं और हमें लगता है कि हम अभी अभी अपना पैसा
सा थोड़ा बचा के चले, संभाल के चले, ये हमारे इंडियन लोगों की माइंडसेट होता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और आने वाले समय में अभी हमें कुछ पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली होना क्या वाला है, क्योंकि डेली डे बाय डे अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फैली हुई है डेली, वो जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से हम लोग कनेक्टेड हैं आजकल एक सोशल मीडिया से और न्यूज से, तो इस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा फैल गई है। तो थोड़ा लोगों को समय लगेगा इस नेगेटिविटी से निकलने का। एक बार जब चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगेंगी फिर हो सकता है, अगर लेकिन उसमें भी एक चीज है कि आपको कुछ ऐसी क्वालिटी अगर आप दे पा रहे हैं कि जो लोगों को लगता है जो बहुत अट्रैक्टिव है, तो डेफिनेटली लोग आपका सामान खरीदेंगे, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस कहीं हैम्पर नहीं करेगा। बट अगर नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो यस, अभी कोई बहुत ज्यादा लोग लोन्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सैलरी भी आएगी या नहीं। थैंक यू। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है मैडम जी सर, कि हमारा अप्रोच हमारे कस्टमर्स के ऊपर की तरफ और क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी भ्रांतियां भी है, मार्केट से पैसा भी नहीं आ रहा है बराबर, और लोगों को ये लगता है कि हम शायद वापिस अगर हमारे कस्टमर्स को उधारी दे देंगे या और भी ऐसे कुछ चीजें होगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा, या आगे आने वाले फ्यूचर में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सर जैसे मैंने बोला, हम जो इंडिया के लोग हैं हम लोग तो वैसे भी अपना पैसा रोक कर ही चलने वाले हैं, तो अभी इस समय पे एक्चुअली ऐसा ही माहौल है कि हम बहुत ज्यादा उधार वगैरह दे देंगे तो उसको आने में सच में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जैसे ही थोड़ी चीजें नॉर्मल होती है, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, तो अगर क्योंकि हमें बिजनेस करना है हमें आपस में सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम सब आगे कर पाएंगे। बिकॉज बिजनेसेस एक सिर्फ हमारे करने से तो होगा नहीं, हम अपने आगे जिससे हम अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं उसको पैसा देंगे तभी वो आगे अपने दूसरे लोगों को पेमेंट कर पाएगा। तो बैलेंस बना के चलना है, बट बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने का समय डेफिनेटली, क्योंकि एक बार पैसा उलझा तो बहुत मुश्किल है उस पैसे को निकालना। तो थोड़ा कहते हैं ठंडी करके खाना कहते हैं जिसे राजस्थान में, तो अभी थोड़ा ठंडी करके खाने वाला समय चल रहा है। बहुत सुंदर मैडम, मेरे विचारों से टैली हो रहा है आपके विचार, थैंक यू वेरी मच। ओके बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में नरेश चांडक जी हमारे बस्तर के टाइगर हैं और वहाँ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाई नरेश भाई, आप अपना प्रश्न रखें, अपना व्यू दीजिए इस कार्यक्रम के बारे में, आपको कैसा लगा, क्या लगा? नरेश चांडक जी, मनीष उनको अनम्यूट करेंगे। नरेश चांडक जी भैया, जय महेश, जय श्री कृष्णा भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, आ रही नरेश भाई, बिल्कुल बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही, आ रही है। बहुत ही शानदार सेशन भैया, बहुत ही अच्छे से समझाया जो वर्तमान परिस्थिति है और जो जैसे समय में हमारे पारिवारिक जीवन या व्यापारिक या समाज जीवन में निर्णय लेना है तो समझ के लेना है, बहुत अच्छा कनिका जी ने समझाया और बहुत अच्छा सेशन, धन्यवाद कनिका जी। सभी को जय महेश, धन्यवाद नरेश भाई। अभी इसी के साथ ही काफी समय हो गया है और आज हम पूरे आधे घंटे विलंब चल रहे हैं और इसके साथ क्वेश्चन आंसर की तो झड़ी लगी हुई है, जवाब देते देते शायद रात के 9 भी बज जाए, पार्टिसिपेंट्स भी बराबर जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समय की अपनी गरिमा है और हमें कल पुनः इस सेशन के लिए पुनः आना है। और धन्यवाद कनिका जी, आपने इतना समय आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पुनः मिलेंगे सभी साथियों से 4:50 पर एक नए ट्रेनर्स के साथ, नए विषय को लेके कल हम पुनः आपसे मिलेंगे। गुड नाइट, जय महेश, जय श्री कृष्ण। एक लास्ट कनिका जी से, कनिका जी आपने घर बनाया आप बहुत कंफ्यूज हुए, बहुत सारी जगह आपको देखना पड़ा, तो अगली बार आप जब भी घर बनाए तो आपसे रिक्वेस्ट है सीधा बिल मार्ट आइएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा भैया, बहुत सारे ऑप्शन आपके एक जगह मिल जाएंगे भैया, ये रिक्वेस्ट नहीं है, मार्केटिंग हुई। नहीं, हम तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो जहाँ मिले वहाँ पे छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए जय महेश, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मनीष, नमस्कार।